भारतीय विचार मंच नागपुर एवं अक्षर वार्ता अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका उज्जैन, इन दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संत साहित्य की प्रासंगिकता, आज इसका द्वितीय दिवस है। उसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जो भी सहभागी चाहे फेसबुक के माध्यम से जुड़े हो या जूम के माध्यम से जुड़े हो, सबका मैं स्वागत करता हूँ। कल पहले दिन काफी अच्छा आपका प्रतिसाद रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरे दिन के जो वक्ता हैं उनसे भी आप पूरी तरह से यानी संतुष्ट होंगे उनकी वाणी सुनकर। पुनः मैं निवेदन करता हूँ, जैसे कल मैंने कुछ सूचनाएं दी थी, कि जो भी फेसबुक से या जूम से जुड़े हुए हैं सत्र के दौरान उनके कोई भी प्रश्न यदि हो पूछते हैं तो वो चैट बॉक्स डालें कराने के लिए। इस जो फेसबुक की जो लिंक है उसे आप शेयर करिए, उसमें कमेंट करिए और उसे लाइक जरूर करिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसमें पहले तो सबसे पहले आप सबका स्वागत, फिर मैं स्वागत करता हूँ हमारे जो कार्यक्रम के संरक्षक है सुनील किटकरू जी का, अक्षर वार्ता संपादक डॉक्टर मोहन बैरागी जी का और हमारे जो संयोजक है कार्यक्रम के डॉक्टर कमल किशोर जी गुप्ता जी का, डॉक्टर वंदना खुशलानी मैडम जो आज के हमारे पहले सत्र की वक्ता है, श्रीमती अंजलि ठोमरे जी जो दूसरे सत्र की वक्ता है, उसके अलावा अन्य जो गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और इसमें आगे बढ़ने से पहले आज का जैसे सूत्र संचालन डॉक्टर कमल किशोर जी गुप्ता जो है वो करने वाले हैं, उससे पहले कार्यक्रम का संयोजक के नाते मैं नवीन महेश कुमार अग्रवाल आपके सामने अपनी बात रखता हूँ, फिर हम लोग सूत्र संचालन डॉक्टर कमल किशोर गुप्ता जी को सौंपेंगे। एक मैं किस्सा, क्योंकि हम लोग क्योंकि संत साहित्य से संबंधित विषय है, एक मैं छोटा सा एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक होता क्या, एक छोटा बच्चा रहता है, छोटे उसको यानी मिठाई खाने का बहुत शौक रहता है, लेकिन मिठाई खाने का शौक इतना रहता है कि वो अति हो जाती है कि जिससे उसके स्वास्थ्य पे विपरीत परिणाम उसका पड़ने लगता है। उसके माता पिता उसे काफी बोल बोलकर थक जाते हैं, उसके परिवार के सदस्य थक जाते हैं बोल बोलकर कि भाई ये मिठाई खाना छोड़ दो, आप तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो उसकी जो मम्मी रहती है बच्चे की माता, उसने किसी संत के बारे में सुना हुआ रहता है कि भाई वो संत के पास जाओ तो सभी वो यदि किसी को कुछ बोलते हैं तो वो उसकी बात का पालन अवश्य करते हैं। तो वो भी जो महिला है उनका पता लगाती है और वो संत के पास पहुंचती है, अपने बच्चे को साथ में लेके जाती है और उनसे कहती है कि भाई महाराज जी प्रणाम, ये मेरा जो पुत्र है इसको मैं लेके आई हूँ, मुझे एक समस्या है इसके बारे में। तो बोलते बताइए क्या है, तो बोलते नहीं ये मिठाई जो है वो अति खाने का शौकीन है मिठाई, तो मैं चाहती हूँ कि ये मिठाई कम कर दे या तो छोड़ दे। तो वो महात्मा जी उससे कुछ नहीं कहते, संत जो है उससे कुछ नहीं कहते, उसे बोलते आप ऐसा करो एक महीने बाद मेरे पास आइए, वो चले जाती है। हो सकता है आपने किस्सा सुना हो। फिर एक महीने बाद वो वापस संत के पास आती है, बोलती है कि मैं इसे लेके आई हूँ, इसकी मिठाई छुड़वा दीजिए, आपने कहा था एक महीने बाद आने के लिए। तो संत कुछ नहीं कहते, उसे फिर बोलते कि आप ऐसा करिए 20 दिन बाद आइए। तो महिला चले जाती, कुछ बोल नहीं पाती, मन में से लगता है कि संत तो बहुत पहुंचे हुए हैं, चाहते तो एक दिन में भी ये पहली बार में बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि संत रहते उनका सम्मान सबके हृदय में रहता है, वो बोल नहीं पाती संकोचवश और फिर वो 20 दिन बाद वापस जाती है। फिर जब वो 20 दिन बाद संत के पास जाती है बच्चे को लेके, बोलते ऐसा करो अब 10 दिन बाद आना। फिर वो चले जाती है, मन में तो उसके गुस्सा भी आता है थोड़ा सा कि भाई क्यों ये मुझे कुछ सलाह नहीं दे रहे और बार बार आने के लिए कह रहे। फिर भी वो क्योंकि उसे छुड़ाना होता है बच्चे की मिठाई, तो वो फिर 10 दिन बाद जाती है। तब वो संत बोलते कि आप ऐसा करो 3 दिन बाद आओ। फिर वो 3 दिन बाद जाती है, विचार उसके मन में सतत चलते रहते महिला के मन में कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे, हमसे कुछ गलती तो नहीं होगी, संत जी जो है वो हमसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे। फिर वो 3 दिन बाद जाती है तो संत बोलते उसे ऐसा करो आप कल आना। फिर वो दूसरे दिन वो बच्चे को लेके पहुंच जाती है, तब वो संत बच्चे को बोलते हैं उसके सिर पर हाथ रख के, बेटा मिठाई खाना अच्छी बात नहीं होती, इसे छोड़ दो। तो फिर घर चली जाती महिला लेके, तो देखती क्या है उसने मिठाई खाना छोड़ दिया उस बच्चे ने।
माता बहुत खुश, लेकिन वो जो विचार उसके मन में चल रहा था कि महात्मा जो थे, संत जो थे, उन्होंने मुझे इतनी बार क्यों बोला, ये जब पहली बार गई थी तभी बोल देते, तब भी मेरा बच्चा छोड़ देता, जैसे आज उनके बोलने पे छोड़ा है, तो वो फिर बच्चे को साथ में नहीं लेके जाती, दूसरे दिन संत के पास फिर से जाती है, उनका धन्यवाद करती है कि आपकी वजह से मेरे बच्चे ने मिठाई खाना छोड़ दिया, उसके ऊपर स्वास्थ्य का विपरीत प्रभाव हो रहा था, तो अब वो स्वस्थ है। लेकिन संत महाजी, मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछू क्या? बोलते ठीक है, पूछिए। बोले जब मैं पहली बार आई थी तभी आपने क्यों नहीं वो मेरे बच्चे से कह दिया कि मिठाई खाना छोड़ दो, उसने तो आपके एक बार बोलने में ही छोड़ दिया ना, आप ये चीज पहले भी बोल सकते थे, आपने मुझे पहले 1 महीने बाद बुलाया, फिर 20 दिन बाद, फिर 30 दिन, 10 दिन बाद, फिर 3 दिन बोला, उसका आपने कहा, तब उस संत क्या कहते हैं? ये महत्वपूर्ण है। बोले जब आप अपने बच्चे को मेरे पास लेके आए थे, अपने पुत्र को पहली बार मिठाई छुड़वाने के लिए, अब था क्या कि वो संत जी बोलते कि मिठाई खाने का मुझे खुद बहुत शौक है, मैं खुद बहुत ज्यादा मिठाई खाता था, तो जब मैं मिठाई खा रहा हूं तो मैं दूसरे बच्चे को कैसे बोल दूं छोड़ने के लिए, इसलिए मैंने 1 महीने का समय लिया कि हो सकता है 1 महीने में मैं खुद मिठाई खाना छोड़ दूं, तब मैं वो बच्चे को बोलूंगा। फिर मैंने आपको 20 दिन में बुलाया, तब मेरा मिठाई थोड़ा कम हो गया था, मतलब 20% पूरी तरह से कम नहीं हुई थी। जब मैंने आखिरी बार आपको बुलाया तब मैंने 100% मिठाई खाना मैंने खुद ने छोड़ दिया था, तब मैंने वो बच्चे को जब बोला आपके पुत्र को मिठाई खाना छोड़ दो, तो उसके ऊपर असर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो यदि हम आचरण में नहीं ला रहे हैं, है ना, जैसे मैं कुछ व्यसन का आदी हूं और मैं दूसरे को सलाह दूं छोड़ने के लिए, तो उसका प्रभाव नहीं होता, पहले मुझे उससे मुक्त होना पड़ता है तो ही दूसरे पे उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो संतों का आचरण मैं बताना ये चाह रहा हूं कि संतों का आचरण कैसा होता है, जैसी कथनी वैसी करनी, है ना, जैसा वो बोलते हैं वैसा खुद बनते भी है। तो हमें भी ये करना चाहिए कि हम सिर्फ बोले ना, उसे जीवन में अपना है, संतों का जो साहित्य है वो जीवन में अपनाना जरूरी है, तो ही हम जब दूसरे पे बोलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे वक्ता भी ऐसे ही हैं, उन्होंने उसे संत साहित्यों को अपनाया है और आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम पर उसका प्रभाव होगा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर कमल किशोर जी गुप्ता, जो कार्यक्रम के संयोजक है, आगे के सूत्र संचालन के लिए मैं गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन भाई। संत साहित्य पर आधारित 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार की श्रृंखला के दूसरे दिन उपस्थित सभी विद्वत जन, वक्ता जन, प्रतिभागी, शोधार्थी और विद्यार्थी को इस वेबवन से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस राष्ट्रीय वेबिनार में संत साहित्य का चिंतन मनन हो रहा है तथा समागम चल रहा है। वक्तागण अपनी वाणी के माध्यम से संतों द्वारा प्रतिपादित विचारों की ज्ञान गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, जो लगातार 3 दिनों तक प्रवाहित होती रहेगी। उनमें डुबकी लगाकर हम धन्य हो जाएंगे। कल के दोनों सत्र में महात्मा कबीरदास और संत नामदेव के काव्य पर क्रमशः डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा एवं राम गोविंद आर्विकर जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिससे हम अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज संत तुलसीदास काव्य में जीवन दर्शन और तुकाराम के काव्य का वर्तमान समय में उपाय देता, इस विषय पर वक्ताओं के विचार के द्वारा जो ज्ञान गंगोत्री प्रवाहित होगी, उसमें हम सभी सराबर होकर लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के प्रथम सत्र की वक्ता डॉक्टर वंदना कुशलानी है, उनका मैं शब्द सुमन से स्वागत करता हूं तथा परिचय देता हूं। डॉक्टर वंदना कुशलानी एक मधुर भाषी है। डॉक्टर वंदना कुशलानी ने हिंदी और शिक्षा शास्त्र में पीएचडी किया। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में बहुत लंबे अरसे तक प्राचार्य पद का उत्तरदायित्व संभाला और प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न समितियों में वे सदस्य के रूप में कार्यरत रही। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की कार्यकारिणी की निकाय की सदस्य, भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय में
हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य, अपराध शाखा के भरोसा सेल के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा समिति की सदस्य, सेंट्रल इंडिया किडनी फाउंडेशन की अध्यक्षा, एक प्रखर वक्ता और कुशल प्रशासक, कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां उनके नाम पे है जिसका समय अभाव के कारण मैं यहाँ वर्णन नहीं कर सकता। डॉक्टर वंदना खुसलानी को बुलाने के पहले मैं तुलसीदास जी पे कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी अपने युग के सबसे बड़े लोकनायक और समन्वयवादी थे। उन्होंने राम राज्य की अवधारणा पर आधारित कल्पना की, जहां राम राज्य ऐसी लोकमंगल की अवधारणा पर आधारित है जहां आनंद की स्थापना होती है, सामान्य जन के मंगल की कामना की जाती है। तुलसीदास रामचरितमानस नीति शिक्षा तथा समन्वय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बताई गई कई बातें नीतियां मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, जिसका पालन करते हुए मनुष्य कई दुखों एवं परेशानियों से बच सकता है। जैसे धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखेचारी, धैर्य धर्म मित्र पत्नी की परीक्षा विपत्ति के समय ही की जा सकती है। संकट समय में जो आपका साथ दे वो आपका सच्चा साथी कहलाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों के चरित्र चित्रण के माध्यम से जन साधारण को उत्तम संदेश प्रदान करने का प्रयास किया है। सीता और उर्मिला का पति प्रेम, कुंभकर्ण और लक्ष्मण का भाई के प्रति आदर और प्रेम, भरत का त्याग, रावण का पांडित्य, राम की मर्यादा, हनुमान की भक्ति आदि दैनिक जीवन में भी दर्शनीय और अनुकरणीय है। राम कथा जीवन मूल्यों की वो गाथा है जिसके पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्य के रहस्य छिपे हुए हैं। आइए आज वक्ता के विचारों द्वारा हम जानते हैं तुलसी काव्य का जीवन दर्शन। मैं डॉक्टर वंदना खुसलानी जी को आमंत्रित करता हूं, वे आकर उद्बोध हमें संबोधित करें। डॉक्टर वंदना खुसलानी मैडम। धन्यवाद डॉक्टर कमल किशोर जी, प्रणाम सभी को। भारतीय विचार मंच, अक्षर वार्ता तथा दादा रामचंद्र भाकरू सिंधु महाविद्यालय की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय, जो कि अब अंतरराष्ट्रीय भी बन चुकी है, ऐसी इस वेब गोष्ठी में और उनके सभी संयोजक डॉक्टर कमल किशोर गुप्ता जी, डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल जी, श्री सुनील किटकरू जी, डॉक्टर मोहन वैरागी जी और आमंत्रित सभी विद्वान वक्ता तथा समस्त देश विदेश से जुड़े हुए सभी ज्ञान पिपासु प्रतिभागीगण, इन सभी को मेरा नमन है, मेरा नमस्कार है तथा संत तुलसीदास जी को भी नमन करते हुए मैं अपनी बात को आरंभ करूं इसके पहले, डॉक्टर कमल किशोर जी और आप सभी के प्रयास ने कितनी सफलता हासिल की है उसके लिए मैं कुछ कहती हूं। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके साथ काफिले होते हैं। और आज ये बात बिल्कुल सच हो गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संत काव्य की प्रासंगिकता के अंतर्गत मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में जीवन दर्शन विषय पर विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। विषय आरंभ करने के पूर्व मुझे एक घटना याद आती है। 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक की निर्मिति होनी थी और उसमें विनय पत्रिका, संत तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में से कुछ पद निर्धारित करके चयन करने थे। अब बात यह थी कि संपादक महोदय जो है वे मुझे कह रहे थे कि आप उन पर धर्म निरपेक्षता का बाना चढ़ा हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा कोई पद रखिएगा जिसमें राम का नाम नहीं आना चाहिए। अब संत तुलसीदास जी का अगर हम पद डालें और राम का नाम ना आए, यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि संत तुलसीदास जी अर्थात श्री राम
मैडम आप कुशलानी मैडम आप अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए, आपको अनम्यूट करिए अपने आप को, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ देखिए अब आवाज आएगी जी, आ रही है। आपने एक मिनट पिछले आधे मिनट में जो बोला वो रिपीट करना पड़ेगा, आपको सुनाई नहीं आएगा। ग्यारहवीं का पाठ्य पुस्तक, ग्यारहवीं की पाठ्य पुस्तक तैयार करनी थी, विनय पत्रिका से कुछ पद डालने थे, किंतु संपादक महोदय ने कहा कि ऐसे पदों का चयन कीजिए जिसमें कि राम का नाम ना हो। मैंने कहा तुलसीदास जी के पदों का चयन है और राम का नाम ना आना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? आप राम रहित तुलसी चाहते हैं, यह कैसे होगा? पद चुना गया क्योंकि उन पर धर्म निरपेक्षता का बाना चढ़ा हुआ था। मैंने पद चुना जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। अब इस पद में भले ही पूरे पद में राम का नाम नहीं है, लेकिन हर पंक्ति का अर्थ जब हम करते हैं तो राम ही तो उसमें प्रमुख है। मैं ये कहूंगी कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने दिलों को जीता है, जहां राम अभी तक है नर में और नारी में अभी तक सीता है। हम अगर तुलसी की काव्य पर, उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि समय घड़ी तथा कैलेंडर से नहीं बदलता। तुलसीदास जी ने जिन वैयक्तिक आदर्शों की चर्चा की, जिन विचारों के परिष्कारों की उन्होंने बात कही, वे आदर्श समाज का एक अंग थे। व्यक्ति के निखार से समाज का परिष्कार होगा, यह तुलसी की मान्यता थी। सामाजिक अव्यवस्थाओं और उथल पुथल जो आज भी हम देख रहे हैं, चरित्रवान व्यक्तियों के द्वारा ही उज्जवल भविष्य का हमें आश्वासन मिलता है। तुलसीदास ने अपनी सभी रचनाओं में संत असंत, उनकी प्रकृति, सत्संग और कुसंग का प्रभाव, प्रेम व कपट की रीति, सत्ता का अहंकार, सामर्थ्य की निर्दोषता, जो सामर्थ्य व्यक्ति है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, उनकी निर्दोषता, गुरु पर अविश्वास का फल, परहित की भावना, पराधीनता की प्रवृत्ति, अनुशासन की वृत्ति, कर्मानुसार फल की वृत्ति, आदर्श जीवन, श्रेष्ठ कर्म, मित्र धर्म, नारी धर्म, विनाशकारी चापलूसी की वृत्ति, अकर्मण्यता का किस तरह से अकर्मण्य व्यक्ति की हार होती है, आत्म प्रशंसा, जन्मभूमि पर प्रेम, काम क्रोध तृष्णा मोह का निरसन, राम राज्य कलयुग का वर्णन, जाति पाति से मुक्ति तथा राम की महिमा, ये सारे विषय उन्होंने अपनी कई रचनाओं में व्यक्त किए हैं। कवितावली हो, दोहावली हो, बरवय रामायण हो या वैराग्य संदीपनी हो, रामलला नैचू हो, बरवय तथा रामचरितमानस, श्री कृष्ण गीतावली, ऐसी बहुत उनकी रचनाएं हैं। इनमें से मुझे बताइए जितने विषय मैंने आपको बताए वे क्या अप्रासंगिक हो गए, उनमें से क्या अप्रासंगिक है? क्या समाज की कसौटी के लिए हम इन दोषों से रहित और गुणों से युक्त सत्यनिष्ठ नागरिकों को नहीं चाहते? तुलसीदास काव्य का लक्ष्य एकाध व्यक्ति का सुधार नहीं है, बल्कि समस्त समाज को ही पतन से बचाना है। मध्यकालीन परिस्थितियां जो थी उन्होंने ही तुलसी को बनाया, और तुलसी ने अपने कवि कर्म के द्वारा आदर्श समाज राम राज्य का निर्माण किया, यह संकल्पना उन्होंने रखी। साहित्यकार राजनीति से प्रतिबद्ध नहीं है, साहित्यकार राजनीति से प्रतिबद्ध नहीं है पर लोक से प्रतिबद्ध है। राम कथा संस्कृति के समन्वय की कथा है, एक साथ अयोध्या लंका उत्तर से पूर्व को जोड़ने की कथा है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है और तुलसी काव्य भारतीय अस्मिता की गहरी पहचान, तुलसी काव्य भारतीय अस्मिता की गहरी पहचान का काव्य है। राम के माध्यम से तुलसीदास ने मानव मूल्यों की ही स्थापना की है। इस तरह से उस समय जो अनास्था थी और जिस प्रकार से विघटन की स्थितियां थी, जो विसर्जन था मानव मूल्यों का और जो वर्जनाएं थी, उन सभी के बीच में अगर तुलसी केवल मोक्ष का मार्ग बताते तो वह ठीक नहीं था और वह पर्याप्त नहीं था। वह निश्चित था कि जनमानस की मुक्ति की चिंता उनको थी, और यह सब तभी हो सकता था जब वो एक ऐसा उच्च चरित्र गठित करते
ऐसे उच्च चरित्र का उदाहरण हमारे सामने रखते जिसके द्वारा लोगों को उसका अनुकरण करना, पलायन छोड़ करके उसमें प्रवृत्त होने की उन्हें संदेश मिलता या प्रवृत्ति मिलती। एक बात यहां याद कराना चाहती हूं, उन्होंने राम को ही क्यों चुना और किसी को क्यों नहीं? गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। मेरा कहने का मतलब है कि आखिर कृष्ण को भी राम का ही चुनाव क्यों करना पड़ा? उन्होंने क्यों कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं? इसलिए कि राम से बढ़कर कोई भी आदर्श जो है वो हमारे सामने नहीं है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से परशुराम और रावण का चुनाव उन्होंने नहीं किया और क्यों? क्योंकि उनके हाथ में शस्त्र उतना ही खतरनाक है जितना कि आग के साथ में ऑक्सीजन। परशुराम के भीतर क्रोध की ज्वाला है और रावण के भीतर प्रतिहिंसा की ज्वाला है। हम देखते हैं कि राम जो है उनमें शस्त्र बल है तो आत्मबल भी है, शील शक्ति सौंदर्य है और विश्वजनीन करुणा भी उनके साथ है। और अगर भीतर सब कुछ अच्छा है तो बाहर कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने राम को इसलिए चुना क्योंकि शस्त्र भी है और साथ में विश्वजनीन करुणा भी है। बाली ने भी रावण को जीता था लेकिन फिर भी वो राम नहीं बन सका क्योंकि उसके भीतर का रावण सदा जीवित रहा। राम के अधीन शस्त्र है और रावण शस्त्र के अधीन है। क्या आपको अंतरराष्ट्रीय जगत में इस प्रकार से शक्तियों की मदमत्तता और ऐसी प्रभुता का आक्रमण दिखाई नहीं दे रहा है? अगर आज भी शस्त्र के साथ कौन आक्रामक है और कौन शांतिवादी है या आप परख लें तो रामचरितमानस या राम कथा का मूल्य आपको समझ में आ जाएगा। तब भी हम कहेंगे कि तुलसी के राम, उनकी राम कथा, उनका काव्य यह अप्रासंगिक है। आदमी कितना भी दूर निकल जाए लेकिन यह सत्य है कि सैकड़ों वर्षों से नीचे मिट्टी में धसी उसकी जड़ें उसके वर्तमान को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है और यही हमारी जड़ है। यह राम कथा हमारी जड़ है। जब विद्युत व्यवस्था ठप हो जाए तो एक दिए की रोशनी हमें राह दिखाती है। जब सारा लाक्षाग्रह जल रहा हो तो एक सुरंग से निकल करके पांडव बच सकते हैं और हम भी बच सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि तुलसी की कविता यह दिए की रोशनी है, यह लाक्षाग्रह की सुरंग है। जब इन प्रकार की सारी अव्यवस्थाओं के बीच में से मनुष्य निकल सकता है, व्यक्ति के अंतर जगत में राम भी है रावण भी है। और अब अगर हम रावण को जगाएंगे तो आज जो आप देख रहे हैं विश्व की स्थिति वह होगी, और अगर आप राम को जगाएंगे तो जिस प्रकार से हम जिस विश्व कल्याण और शांति की बात करते हैं उस तक हम पहुंच सकेंगे। तुलसी काव्य का लक्ष्य है दुनिया के, यही तुलसी काव्य का लक्ष्य है। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से पढ़कर आई प्रतिभा को देखते हैं और इतनी प्रतिभाएं होते हुए भी घोटाले क्यों हो रहे हैं, लूट क्यों मची है, दिवालियापन क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों? और व्यक्ति को हमने प्रबंधन सिखाया, बाजार सिखाया, नफा नुकसान पाया, लेकिन बात यह है कि हमने मूल्य परक साहित्य वह नहीं पढ़ाया, मन की शिक्षा नहीं दी। और मन की शिक्षा साहित्य देता है, इस प्रकार के संतों का साहित्य देता है। आज की आपकी यह विचार गोष्ठी बहुत ही मूल्यवान है। क्या अब भी प्रबुद्ध जन को बताना शेष है कि तुलसी का काव्य आज भी प्रासंगिक क्यों है? जो काम बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर सकती, जो काम बड़े बड़े कहना चाहिए कि बड़े बड़े जो काम नहीं कर सकते हैं, यानी बड़ी बड़ी सरकारें और शक्तियां नहीं कर सकती, वो काम ये विचार गोष्ठियां कर सकती है। अलगाव और भेदभाव को दूर करने के लिए सांस्कृतिक प्रयास जो हमें करने हैं वो अपने संत काव्य के माध्यम से ही हो सकते हैं। कारण यह है कि कभी कभी संस्कृति का केवल बखान करना ही जरूरी नहीं है बल्कि उसे जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। जनमन जगेगा तो अवांछनीयता को स्वीकार नहीं करेगा। हमें लगता है कि अतीत के ये पात्र राम लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव अंगद वशिष्ठ विश्वामित्र सीता कौशल्या अनुसुईया
और ये अतीत की घटनाएं, राम रावण युद्ध, ये सभी कुछ लोग सोचते हैं ये बेकार है, पर आप जानते हैं कि अतीत समुद्र में डूबे हुए हिमखंड के सदृश, समुद्र में डूबे हुए हिमखंड के सदृश है, जहाज टकराए तो चूर चूर कर देता है। और इसलिए आप ये सोचिए कि किसी भी देश को एकजुट रखने के लिए बमों और तलवारों की ताकत, गोलों की ताकत या परमाणु की ताकत काफी नहीं है, जब तक उसके एक एक जन मन में धरती का प्रेम, उसकी परंपराओं, विरासत, उसके प्रतीक चिन्हों पर श्रद्धा न हो तो यह एकता का कार्य नहीं हो सकता है। तुलसी का काम यही है, उनके राम काव्य का काम, उनकी राम भक्ति धारा का कार्य यही है कि इन सभी पर, इस विरासत पर श्रद्धा भावना को जगाया जाए। तुलसी ने जो राम राज्य की चर्चा की वह दो दृष्टियों से, आप समझ लीजिए उसे, कि एक और तो वे राज सत्ता को चेतावनी देते हैं कि अगर आप प्रजा की चिंता नहीं करेंगे वो राज नहीं टिकेगा जो प्रजा सत्तात्मक नहीं है, प्रजा सम्मत नहीं है। दूसरी ओर वो प्रजा को चेतावनी देते हैं कि उसे आदर्श राज्य के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसे राम राज्य लाना होगा। भारतीय समाज में अन्याय और अत्याचार के प्रति जो विद्रोही भावना जगी उसमें तुलसीदास का बहुत हाथ है। उन्होंने केवल धर्म को, दया, दान, नम्रता, सुशीलता, पितृभक्ति, सत्य, उदारता, करुणा भावना में ही नहीं देखा है, क्षमा में ही नहीं देखा है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया है कि क्रोध, घृणा, शोक, विनाश और ध्वंस में भी हमको धर्म को जगते हुए देखना पड़ेगा। कैसे, ये कैसे देखना पड़ेगा? अगर कोई व्यक्ति दुर्जनों के प्रति घृणा करता है और क्रोध दिखाता है तो यह भी धर्म भावना है। दीन दुखियों को सताने वालों का जो संहार करता है तो यह भी धर्म भावना है। कर्तव्य पालन में जो हम वीरता दिखाते हैं, भले ही वो कठोर कर्तव्य कर्म, वो कर्म कठोर हो सकता है, पर यह भी व्यापक धर्म है, यह भी धर्म भावना है। जिस धर्म से लोक की रक्षा हो, जिससे समाज चलता हो, वही धर्म है, वही व्यापक धर्म है। लोक मर्यादा का उल्लंघन, समाज की व्यवस्था का तिरस्कार, अनधिकार चर्चाएं, साधुत्व का मिथ्या अभिमान, साधुत्व का मिथ्या अभिमान, ये सब जो है किसी भी प्रकार से, और साथ ही साथ वेद शास्त्र की निंदा अज्ञान के ही कारण हो भले, और अशिष्टता की वृद्धि तथा प्रतिष्ठित आदर्शों की उपेक्षा अगर यह भी कहीं पर हो रहा है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अधर्म का भी नाश करना होगा, और यह भी धर्म है। तुलसी काव्य में यही तो हुआ है, क्या अप्रासंगिक है इसमें से, क्या अप्रासंगिक है? आज की इस दुर्दशा को, आज की इस समाज में यह दुर्दशा को हम देख सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको जितनी भी प्रवृत्तियां दिखाई, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां आज के समाज में भी आपको व्याप्त दिखाई देंगी। भक्ति आंदोलन और संत काव्य, इनमें मानव समानता का जोरदार समर्थन किया गया है। भक्ति चेतना के साथ सामाजिक चेतना तुलसी काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आदर्शों और मूल्यों पर ध्यान रखकर पूर्ण मानव के निर्माण का आह्वान हुआ है। संत तुलसीदास का जीवन साधुओं और संतों के साथ बीता था, वे भी उस समय के जीवन प्रवाह से अलग नहीं रह सकते थे, उन्होंने भी जनजीवन से प्रेरणा ली, और उस समय जो उन्होंने लोगों की दीनता और दुख देखा, जो उनकी पीड़ा देखी, उसको दूर करने के लिए धर्म और अध्यात्म के आवरण में उन्होंने लिपट करके कई उपदेश भी दिए, कई संदेश भी दिए। उनके सारे उपदेशों में, उनके धर्म के आचरण में जन जीवन ही तो झलक रहा है, जिसमें आशा है, निराशा है, संघर्ष है, संकट है, माधुर्य है, कटुता है, युद्ध है, शांति है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, संतोष असंतोष, सभी जीवन के रूप उनके काव्य में स्वाभाविक रूप से प्रकट हुए। संत तुलसीदास संसार को मिथ्या बताने या जन जीवन से उदासीन कर देने वाली ज्ञान मार्ग या अकेली ज्ञान मार्ग के प्रवक्ता नहीं है। मानव जीवन केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से लेता है और समाज को देता भी है। जो दूसरों को पीड़ित करता है वह पीड़ा देने वाले समाज का निर्माण करेगा, और उसको खुद भी पीड़ित होना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी का संदेश है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
उनका काव्य संस्कार का हिस्सा है। उसे नकारने का जो फैशन चल पड़ा है, जो उत्तर आधुनिकतावादी या आधुनिकतावादी के नाम पर भारतीय सांस्कृतिक चिंतन को पिछड़ा बताने का जो उपक्रम चल पड़ा है, जो भ्रमजाल बिछाने का प्रयत्न हो रहा है, वह सब गलत है। इस प्रकार की क्षुद्रता फैलाने से तुलसीदास के रामचरितमानस या उनकी किसी भी कृति को भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह जातीय स्मृति में इतनी अंदर तक बैठी हुई है कि आप उसको निकाल नहीं सकते। तुलसी की भक्ति मानव प्रेम का साधन है, जो अपनी संकीर्ण सीमाओं को तोड़ करके मानव के उदात्त रूप को धारण करती है। जिन्हें हम छायावादी या प्रगतिवादी कवि मानते हैं, वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें हम जनवादी कवि भी मानते हैं, वे भी तुलसीदास जी से प्रेरणा पाते हैं। जो हमारे मैत्री शरण गुप्त राष्ट्र कवि थे, उन्होंने तुलसीदास जी के मानस से प्रेरणा लेकर के देश प्रेम की अलग जगाई। यहां तक कि महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की संकल्पना की, वह भी तुलसी के मानस की ही संकल्पना है। इस तरह से उन्होंने स्वयं कहा है कि मुझे अगर ब्रिटिश पूंजीवाद से लड़ने की शक्ति मिली, महात्मा गांधी ने कहा, तो वह रामचरित मानस से मिली है। स्वतंत्रता और समानता का जो भी महत्व है, वह सभी, जितना भी उन्होंने सत्य के बारे में, सत्य निष्ठता के बारे में कहा, वह सभी और वैष्णव जन की पीर जो महात्मा गांधी की थी, वह तुलसीदास के मानस की लोक मंगल दृष्टि का ही तो पर्याय है। तुलसी का लोक धर्म केवल भारत के संदर्भ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मानव मात्र के कल्याण के लिए है। आचार्य शुक्ल तो सच्चा कवि उसे मानते हैं जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं के बीच मानव जाति के सामान्य हृदय को देख सके, और जो तुलसी का काव्य जो लोक मंगल की बात कर सके। तो तुलसी का काव्य लोक मंगल, लोक हृदय और लोक रक्षा की भावना से ओतप्रोत है। मानस की प्रेरणा और उसके दोहे चौपाई, ये सब गा गा करके, मैं आपको पुरानी बात बता रही हूं आजादी के समय की, बाबा रामचंद्र थे जिन्होंने की अवध में किसान आंदोलन किया, 1.5 लाख लोग जुड़े थे इसमें। ये रामचरित मानस की चौपाइयों को गा गा करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, और इस तरह से तुलसी की वाणी ने लोगों को मनोबल दिया है, संगठन की अंतरदृष्टि दी है। इस किसान आंदोलन ने, अयोध्या इस अवध के किसान आंदोलन ने अंग्रेज सरकार की चूल्हे हिला दी थी। ये शक्ति है रामचरित मानस की, इसलिए यह भारतीयों की अमूल्य धरोहर है। राम हमारे लोक जीवन में इतने गहरे व्याप्त हैं कि हर माँ अपने बच्चे का नाम राम रखना चाहेगी। वह चाहेगी कि उसकी संतान किसी भी तरह से राम के गुणों को धारण करे, किसी भी तरह से वह राम के गुणों को धारण करे। हमारा कौन सा चिंतन है जो राम के बिना पूर्ण हो सकता है? भारतीय व्यक्तिगत और सामूहिक संचेतन में राम ही तो बसे हैं। कारज वही समारी है सीतापति रघुवीर, जहां राम है वही अवध है। इसलिए ब्रिटिश राज में जितने भी कूली मजदूर, आप जानते हैं कि कई कूली और मजदूर जो हैं, ये मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाड, गयाना आदि देशों में गए, आपको मालूम है वे अपने साथ रामचरित मानस लेकर गए, क्योंकि परदेश में भी अगर कोई उनका रक्षक है तो वो रामचरित मानस है, वो राम है। पराधीनता से मुक्ति में जो अलख राष्ट्र कवियों ने जगाई या राष्ट्रपिता ने जगाई, उसकी प्रेरणा लोकनायक तुलसी ने दी, और बाद में आज अभी कुछ वर्ष पहले तक भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अगर आणविक विस्फोट की प्रेरणा मिली तो वह भी मानस से ही मिली, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था। लेकिन अब हम जब भी कभी इस प्रेरणा से कटे, राम से हटे, आत्मनिर्भरता को हमने खोया, अपनी परंपराओं और आस्थाओं का हमने विसर्जन किया। इतने बड़े विशाल समाज को जो तुलसीदास की सगुण भक्ति भावना में लिप्त है, कोई कैसे दक्यानुसी बताएगा, कोई कैसे अनपढ़ गवार बताएगा? यह राम कथा केवल राम कथा नहीं है, यह लोक गाथा है, यह जन जन की गाथा है। सामाजिक चेतना, केवल सामाजिक चेतना की जो चमक इसमें है, वह चमक कभी भी क्षणिक नहीं हो सकती है। दामिनी दमक रही घनमाही, खलके प्रीत जथा थिर नहीं। यह दुष्ट का प्रेम नहीं है जो कि अस्थिर हो, हाँ आज भी ये प्रासंगिक है। महात्मा तुलसीदास जो समाज के नैतिक पतन को रोकते हैं,
जो अनियंत्रित भोग विलास वाली अपसंस्कृति को फैलने से जिन्होंने रोका, वे भला अप्रासंगिक कैसे हो सकते हैं? हाँ, आप जरूर पूछ सकते हैं कि तुलसीदास को हम क्यों पढ़ें? आप पूछ सकते हैं इनके मानस और विनय पत्रिका को पढ़ने से क्या लाभ? हाँ, ये जो लाभ है ये बाजारवादी मानसिकता है। अर्थशास्त्र ने लाभ को मुख्य संदर्भ मान लिया है, पर बड़ा प्रश्न तो यह है कि 500 वर्षों से, 5 शतियों से पीढ़ी दर पीढ़ी रामचरितमानस को क्यों पढ़ा जा रहा है? अगर यह निरर्थक है तो आज तक वह प्रासंगिक क्यों है? आज भी लोग तुलसी की चौपाइयों को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? सड़क किनारे पत्थर तोड़ता मजदूर शहरों के कल कारखानों के धुएं में मरते खपते, वे क्यों राम कथा के साथ लगे बैठे हैं? क्यों नहीं छोड़ी उन्होंने? क्योंकि यह निराशा में आशा का संदेश है। कादर मन का एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा, ये ऐसे कायर लोगों को साहसी बनने की प्रेरणा देती है, अंधकार में प्रकाश दिखाती है। चाहे ये शो बिजनेस ना हो, ये टीवी का शो बिजनेस है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी इस राम कथा को छोड़ करके नहीं चल सकती, क्योंकि आज भी भारत का जन जन अपनी चेतना का विस्तार, अपने हृदय का परिष्कार तुलसी के काव्य के माध्यम से ही करता है। आज भी राम वन गमन का दृश्य उसकी आंखों में आंसू ला देता है। आज भी जब वो रावण को रथी और विरत रघुवीर को देखता है तो चिंता मग्न हो जाता है, पर रावण के सीता हरण के दृश्य से वो विचलित हो जाता है। हर साल बार बार रामलीला रावण दहन के बाद भी हम तृप्त नहीं होते, क्योंकि तुलसी का काव्य मनुष्य को उच्च भाव भूमि पर ले जाता है, जहां वह मैं नहीं रहता, हम का अनुभव करता है, वह राममय हो जाता है, अन्याय अत्याचार और अनीति का विरोध करने वाला बन जाता है। राम तो स्वयं कहते हैं, जो अनीति कछु भाषो भाई तो मोही बरजौ भय बिसराई। अगर मैं भी कुछ अनीति कर रहा हूं राजा होने के बाद भी, वो कहते हैं, तो मुझे आप रोक दीजिए, मुझे मना कीजिए। वे स्वयं अनीति से संघर्ष की बात करते हैं। तुलसीदास जी के राम राजा को भी समाज के ऊपर नहीं आने देते। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये राजतंत्र में लोकतंत्र की बात तुलसीदास ही कर सकते हैं। यहां तक कि मंत्रियों को भी राजा के भय से अनीति का साथ नहीं देना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलें भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगई नास। आज भी हम सभी राज समाज का यही तो चरित्र देखना चाहते हैं, यही चरित्र हमें चाहिए। समाज के किसी भी अंग के पतन के लिए समाज ही दोषी है। तुलसीदास सबको सावधान करते हैं, केवल सामर्थ्यों, सफलताओं, योग्यताओं और विभूतियों को देख करके मनुष्य का मूल्यांकन न करें, उसके सद विचार तथा आचरण की दिशा देखकर उसका मूल्यांकन करें। महात्मा तुलसीदास सामंती युग के कवि हैं, वे जानते हैं कि सामंतवाद का पराभव संभव नहीं है, मुश्किल है। ऐसी सामंती प्रवृत्तियां हर समय हर जगह आपको दिखाई देंगी, शोषण है, कुरीतियां हैं, विषमताएं हैं। ऐसे समय में आदर्श समाज की बात कहना और राम राज्य की संकल्पना करना ये किसी निर्भीक व्यक्ति का ही कार्य है, या वही व्यक्ति कर सकता है जो मानवीय आदर्शों में आस्था रखता है, और उसी के माध्यम से किया जा सकता है जो उच्च मानवीय आदर्शों का जिसने पालन किया, और ऐसा चरित्र राम के अलावा कौन था। इस तरह से उन्होंने इतिहास में ऐसे कई उदाहरणों की कमी नहीं है। हमने देखा है कि राजतंत्रों में यथा राजा तथा प्रजा होता है। अगर राजा अत्याचारी है तो समाज भी उसी प्रकार से पतन को प्राप्त होता है, गिरावट आती है। लेकिन राजा कर्तव्य परायण है, और राजा अगर बहुत सजग है तो ठीक हम देखते हैं कि समाज समृद्ध होता जाता है। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनरप अवस नरक अधिकारी। सच में राजसत्ता हो या लोकतंत्र, सत्ता जिनके हाथ में रही, समाज के सुख दुख उत्थान पतन का उत्तरदायित्व उन्हीं के कंधों पर रहता है, उन्हीं के हाथ में रहता है। अतः तुलसीदास जी ने ऐसे राजा राम का चरित्र प्रस्तुत कर दिया कि जो मानवीय आदर्श को प्रमुखता दे और जिसके गुण संसार के लिए कल्याणप्रद। उनके काव्य में राम कथा के साथ चलते हुए कई छोटे छोटे कथानक आते हैं,
नारद मोह का कथानक है, जयंत का कथानक है, गरुड़ और काक भुशुंडी का संवाद है, शूर्पणखा का विलाप है, राम लक्ष्मण को उसका डिगाने का प्रयत्न है, जटायु का संघर्ष है। जटायु के द्वारा तो उन्होंने बताया है, उन्होंने रावण से संघर्ष किया जटायु ने। अब आप सोचिए कहां जटायु कहां रावण। लेकिन मनुष्य को जागृत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। एक आम आदमी भी जागरूक रहे तो ऐसी राक्षसी शक्तियां सिर नहीं उठा सकती। ऐसे अनेक अनेक कथाओं से उन्होंने समाज को शिक्षा दी। रामचरितमानस को अधिकांश धर्म ग्रंथ मानते हैं। अब इस धारणा का कोई प्रतिकार करो, चाहे कई बुद्धिवादी ये कहें कि रामचरितमानस और राम कथा के माध्यम से लोगों को भक्ति का जहर पिलाया जा रहा है, उससे तुलसी की कृति का क्या बिगड़ने वाला है, उससे तुलसीदास के काव्य का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ये कालजयी कृति है। कोई मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थ विज्ञान, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कोई भी उसके सत्य तक पहुंच नहीं सका है। चाहे आप कितनी भी निंदा क्यों न कर लें और भ्रम फैला लें, आज भी नवविवाहित दूल्हा दुल्हन को सब आम आदमी राम सीता की छवि उसमें देखना चाहते हैं। हमारे जातीय संस्कारों में जिस तरह तुलसी का काव्य बसा है, भारतीय लोक संस्कृति उससे संपृक्त दिखाई देती है। उसे देखकर केवल इतना ही कह सकते हैं, जब तक भारतीय परंपरा, दर्शन, संस्कृति जिंदा है, प्रासंगिक है, तब तक तुलसी का समस्त काव्य भी प्रासंगिक है। भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए, किंतु भारतीय जीवन दृष्टि, जीवन के अनुभव आज भी प्रासंगिक है। तब रामचरितमानस या तुलसी के कोई भी उनकी कृति और उनका जो लोकमानस था उसे कौन मिटाएगा? क्या जर्मनी गेटे को मिटा सकी? मुझे बताइए, क्या शेक्सपियर को छोड़ करके अंग्रेज जाति जी सकती है? तो संत साहित्य और भक्ति साहित्य आज के समाज से क्यों कटेगा, उसे क्यों अलग करेंगे? इसे मध्ययुगीन बोध कहकर के आप उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इन महान संत और भक्त कवियों का साहित्य जनसाधारण का साहित्य है, जन जन का साहित्य है। तुलसीदास की राम भक्ति काव्य ने जनमानस को आचरण का एक रास्ता दिखाया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मनोविकारों का नाश करने के लिए राम भक्ति एक औषधि है। राम भक्ति एक औषधि है। अनुभव गम्य भाषा में काव्य लिख करके तुलसी ने विश्व कल्याण की कामना राम राज्य के माध्यम से की है। राम की शरणागत वत्सलता, साथ ही जीव दया, करुणा, प्रेम भाव आदि के द्वारा उन्होंने समाज की दयनीय अवस्था का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। अहिल्या उद्धार, सुग्रीव की रक्षा, विभीषण को लंका का राज देना, केवट से आलिंगन करना, शबरी के झूठे बेर खाना, ये सब इसके उत्तम उदाहरण है कि ये किस तरह से ऊंच नीच, गरीब अमीर, जाति पाति, इन सब से विहीन एक समतावादी समाज चाहते थे। तुलसी का राम भक्ति काव्य केवल आध्यात्मिक नहीं है, पारिवारिक जीवन का भी तो सुंदर चित्रण है। आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श मित्र, आदर्श माता, आदर्श ग्रामवासी, सभी रूप भारतीय संस्कृति के ही तो अनुरूप है। वनवासी के रूप में वर्ग भेद को भूल करके वे हम देखते हैं कि किस तरह से निषाद को गले से लगा लेते हैं और केवट को हृदय से लगा लेते हैं। जब उन्होंने केवट को हृदय से लगाया तो राम को देखकर विप्र वशिष्ठ वे भी केवट को गले से लगा लेते हैं। मानव मानव में भेद पैदा करने वाली जो प्रथा थी वो थी छुआछूत, लेकिन राम ने केवट को अपने चरण छूने के लिए कहा। ये बात अलग है कि केवट ने चरण नहीं छुए, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, ये आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जाति को प्रधानता न देकर कर्म और भक्ति को प्रधानता दी। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। राम ने उन्हीं लोगों को सखा बनाया जिसे निम्न जाति का समझा जाता था। सुग्रीव से मित्रता की, वानर जाति का था। अरे चाहते तो बाली से मित्रता कर सकते थे, बलशाली था, राजा था, संपदा थी, सेना थी, वो तो राम की काम आती रावण से लड़ाई करने में। लेकिन ये सब बातें होने के पश्चात भी स्वार्थ साधन से जो मित्रता की जाए वो मित्रता राम को पसंद नहीं है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। यही तो जीवन मूल्य है, मैत्री भाव, सच्चा मैत्री भाव, सच्चा विनय भाव, करुणा, सेवा, ये सब श्रेष्ठ आदर्श तुलसी साहित्य की अमूल्य निधि। काव्य तो शांत सुखाय लिखा तुलसी ने, लेकिन हो गया वो बहुजन हिताय। प्रश्न ये नहीं है कि राम भक्ति काव्य से तुलसी ने समाज में क्या परिवर्तन किया,
प्रश्न ये है कि तुलसी का काव्य जन जन की धमनियों में रक्त प्रवाह कैसे बन गया। प्रश्न ये है कि बहुत सारे तथाकथित प्रगतिशील और प्रचारवादी आलोचक तुलसी की अध्यात्म भावना को अफीम कहते क्यों फिर रहे हैं, पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ पंक्तियां इस समय सुन लेना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा है, हमारी परंपरा हमारा जमा हुआ, ध्यान देने की बात है, परंपरा हमारा जमा हुआ हमारा टिका हुआ पैर है और आधुनिकता हमारा उठा हुआ पैर है, आगे को बढ़ता हुआ पैर है। पूरा बोझ जो है वह टिके हुए पैर पर वही संभालता है। अगर ये पैर ना हो तो दूसरा पैर आगे बढ़ ही नहीं सकता, कोशिश करेंगे तो गिर पड़ेंगे। तो आप सोचिए, राम हमारी परंपरा है, तुलसी का काव्य हमारी परंपरा है, वो टिका हुआ पैर है। राम केवल अवतार नहीं, वे संघर्ष पूर्ण मानव है, निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। तुलसीदास के युग में मानव चरित्र में गिरावट आ रही थी, जिसके कारण समाज में दुख और दैन्य बढ़ रहा था। यह जानते हुए भी कि कौवा कोयल नहीं हो सकता और बगुला हंस नहीं हो सकता है, तुलसीदास ने ऐसा प्रयास किया। यह प्रयास उन्होंने किया, उसको बदलने का भगीरथ प्रयत्न अपने काव्य के माध्यम से किया। और सही बात तो यह है कि काशी में वे रामलीलाएं भी लगाते थे, क्यों जरूरत पड़ी उनको रामलीलाएं करने की। समाज को उत्तम बनाने के लिए अच्छा चरित्र होना आवश्यक है। मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि राम मनोहर लोहिया जी ने भी चित्रकूट में रामलीलाएं आरंभ की थी, चालू की थी। समाज को उत्तम बनाने के लिए अच्छा चरित्र होना आवश्यक है, इसीलिए ही तो ऐसी कथा जो मानव मात्र में सद्भाव और सच्चरित्रता भर दे वो कौन सी हो सकती है। कीरति भनिति भूत भल सोई सुरसरी सम सबकर हित होई। मानव मात्र का हित तुलसीदास का ध्येय था। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इस प्रेम पूर्ण आदर्श चरित्र के अतिरिक्त और कौन सी कथा हो सकती थी जो समाज को जोड़ती, जो किसी तरह से इतने विरोध जो वहां पर थे उन विरोधों को दूर कर सामंजस्य उत्पन्न करती। तुलसी के धर्म ग्रंथों में, तुलसी का ग्रंथ जो है वो धर्म ग्रंथ है ऐसा कहकर के नाराजगी व्यक्त करना ये ठीक तो नहीं है। रामचरितमानस एक बहुत ही श्रेष्ठ महाकाव्य है, काव्य शास्त्र के जितने भी मानदंड हैं उसके सामने फीके, अर्थ अमित और आखर थोरे, इसका मर्म तुलसी के दोहे चौपाई है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, श्री विल्सन जी, फादर कामिल बुल्के तथा श्री प्रोफेसर वारानिको, गार्सा द तासी, ऐसे कई विदेशी विद्वानों का मत है कि तुलना में मानस विश्व साहित्य के उच्चतम ग्रंथों में किसी प्रकार भी कम नहीं। यह राम कथा उस अवधि बोली में लिखी गई जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी बोली नहीं जाती थी, लेकिन आज यह मानस संपूर्ण भाषाओं की सीमाओं को लांघ करके विश्वव्यापी बन गया है। यह सत्य है, यह सत्य की असत्य पर, धर्म के अत्याचार पर, समत्व की रामत्व की रावणत्व पर विजय की कहानी है। रामलीला पुरुषोत्तम की बजाय ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी है। गोस्वामी जी ने समाज की मर्यादा का अधिक ध्यान रखा है और दंड भी उसी मर्यादा का अंग है, केवल क्षमा का ही विधान नहीं है इसमें। तुलसी काव्य की एक बड़ी विशेषता, तुलसी काव्य की एक बड़ी विशेषता समन्वय भावना कही जाती है, क्योंकि इसके बिना तुलसी का काव्य दर्शन पूरा नहीं हो सकता है। अब हम यहां भी देखें कि तुलसी ने समन्वय कहां कहां किया, पर समन्वय के साथ संघर्ष को भी ध्यान रखना होगा। ये परिस्थिति पर आधारित है कि कहां समन्वय किया जाए और कहां संघर्ष किया जाए। तुलसीदास को लोकनायक कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य में विराट समन्वय की चेष्टा है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, राजा प्रजा, पिता पुत्र, पत्नी पति पत्नी, भाई भाई, ब्राह्मण शूद्र आदि में समन्वय की भावना दिखाई देती है। निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। वैष्णव शाक्त शैवों में विरोधी भाव मिटाने के लिए सीता के द्वारा भवानी की वंदना करवाई गई तथा राम के द्वारा शिव की पूजा। शिव भक्तों को राम भक्ति का साधन बता करके, शिव शक्ति को राम भक्ति का साधन बताकर, शिव पार्वती दोनों को राम के प्रति भक्ति प्रकट कराके तुलसीदास ने यह व्यक्त कर दिया है कि राम ही परम आराध्य है और किसी में देवी देवता में कोई भेद नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में समन्वय भावना के अनुसार तुलसी ने सभी देवी देवताओं को मान्यता दी। दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान, भक्ति, कर्म, इनका समन्वय किया। शील, शक्ति, सौंदर्य भावना के क्षेत्र में उन्होंने समन्वय किया है और उनके
हमारे श्री राम शील शक्ति सौंदर्य से संपन्न है। कोल किरात वनवासी आदिवासी वानर भालू ये सभी के साथ उन्होंने समन्वय करवाया है, इनका विराट समन्वय किया है, द्वैत और अद्वैत का समन्वय किया। उनकी भक्ति भावना में सांप्रदायिकता और संकीर्णता कदाचित नहीं है। राम संघर्ष के स्थान पर समन्वय को जोर देते, मेल मिलाप बात अगर शांति से निपट जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहां संघर्ष जरूरी है वहां समन्वय नहीं हो सकता है। जैसे विश्वामित्र के साथ रहते हुए जब राक्षस संहार करते हैं, यज्ञों का विध्वंस करते हैं, तो संहार जरूरी था। परशुराम बहुत बुरा भला कहते हैं, राम अत्यंत विनम्रता से पेश आते हैं, लेकिन जब देखा कि परशुराम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उनकी विनम्रता का, और परशुराम ने तो राम को कायर कह दिया कि तुम क्या संघर्ष करोगे, तुम कायर हो, तो राम को स्पष्ट करना पड़ा कि वे संघर्ष से नहीं डरते। समन्वय करें या संघर्ष, अंतिम परिणाम अच्छा होना चाहिए। परिणाम गलत है तो नीति गलत है। शूर्पणखा के अपमान के बाद खर दूषण जब सेना सहित आक्रमण करने आते हैं तब समन्वय नहीं होता, तब संघर्ष होता है। विभीषण के कहने पर पहले राम सागर से रास्ता मांगते विनम्रता पूर्वक, लेकिन जब सागर विनय नहीं सुनते तब लक्ष्मण भी क्रोधित होते हैं और उन्हें कर्म का मार्ग और लड़ाई करने के लिए कहते हैं, सागर को सुखाने के लिए कहते हैं। जहां समन्वय बेकार हो जाए, बेअसर हो जाए और षट दुष्ट लोग अविनयी लोग अगर लाभ उठाने लगे, और जहां पर लगे कि विनय दुर्बलता है बेकार है, तो उस समय हमें समन्वय का नहीं संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है। राम रावण युद्ध के पूर्व भी इसी तरह से चेष्टा की गई थी और अंगद को दूत बना करके भेजा गया था, और उस समय भी समन्वय की पूरी चेष्टा की गई, लेकिन जहां समन्वय के सिद्धांतों को छोड़ा नहीं जा सकता है वहां नहीं छोड़ा। जहां समन्वय के सिद्धांतों को, कहने का मतलब यह है कि अगर जहां लगे कि सिद्धांतों से समझौता हो रहा है वहां समन्वय नहीं होगा, वहां तो संघर्ष होगा। क्या आज ये राष्ट्रीय राजनीति का मार्ग नहीं है? क्या हम यही नहीं देख रहे हैं? जब समझौता करना है और वो हमारे सिद्धांत के अनुसार है तो ठीक है, और अन्यथा हम संघर्ष करने के लिए तैयार है। सीता को लौटाने के लिए अगर रावण तैयार नहीं है तो समन्वय नहीं होगा, तो युद्ध होगा। ये समन्वय और संघर्ष की परिस्थितियां आज भी हमारे समाज में मौजूद है। जीवन में समाज उपयोगी सुधार के लिए तुलसी ने समन्वय को आवश्यक माना है, ये सत्य बात है। जबरदस्ती लड़ाई नहीं करनी है, षट सुधरई सत्संगति पाई पारस परस उधातु सुहाई। वस्तुतः इसी समन्वय के द्वारा वांछित और अवश्यम भावी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, इससे बढ़कर क्या है। किंतु समाज में ऐसी परिस्थितियां और व्यक्ति हैं जो संघर्ष को अनिवार्य बना देते हैं, और उस समय संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। राम संघर्षशील है किंतु समन्वय को भी अपनी आंखों से ओझल कभी होने नहीं देते। समन्वय जब सत्य को प्रतिस्थापित करने में असमर्थ हो तब संघर्ष होना लाजमी है। असत्य के साथ समझौता नहीं, असत्य के साथ समझौता नहीं है, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम कवियों में तुलसी की नारी भावना पर अब ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर काफी मतभेद और काफी विवाद होता रहा है। राम कवियों ने तुलसी की नारी भावना पर कुछ आक्षेप ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पंक्तियों को लेकर के किए। संपूर्ण तुलसीदास के काव्य में नारी जाति को आदर और श्रद्धा के साथ देखा गया और उसको पात्र माना गया। पार्वती अनुसुईया कौशल्या सीता ग्राम वधुएं ये धर्मपूर्ण विचारों से निर्मित है। जहां धर्म की अवहेलना नारी के द्वारा हुई केवल वहीं उन्होंने नारी निंदा की है। जहां नारी की निंदा है एक बात और देखने की है, क्योंकि संत तुलसीदास संत मत से प्रभावित थे, वहां संत मत के अनुसार विराग भावना से उन्होंने वो निंदा की है। तुलसी ने तो अपने युग की नारी की परवशता का दुखद चित्रण किया है। कतविद नार रची जगमाही पराधीन सुख सपने उनाही, ये किसने कहा? ये भी तो तुलसी ने कहा, उन्होंने विधाता से पूछा है कि ये क्या किया है आपने। केवल जहां नारी का माया रूप है कामिनी रूप है उसी की निंदा उन्होंने की, वह विराग और तप की भावना के कारण उन्होंने किया है। उन्होंने कहीं पर भी मर्यादा विरुद्ध कोई भी कथन नहीं किया है। अपने युग की घोर अनैतिकता और घोर असंयम को देख करके इस तरीके से अगर कहीं पर निंदा हुई है
तो उसमें उन्होंने नारी के प्रति अश्रद्धा व्यक्त की, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। उन्होंने तो नारी को भी भक्ति के अधिकारी माना। राम भक्ति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। और एक और बात है, मुझे ध्यान आता है कि उन्होंने दिखाया है सीता को कितना आत्मनिर्भर व किस तरह से लव कुश को पालती है अकेले। और साथ ही ये भी दिखाया है उन्होंने कि बाली जब, मुझे ध्यान आता है कि बाली जो है वो जब अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, जब सुग्रीव चले जाते हैं राम के आश्रम में और उनकी पत्नी बाली की कहती है कि आप सुग्रीव से लड़ाई मत कीजिए, परंतु बाली अपनी की बात नहीं मानते हैं, तो उस समय भी तुलसीदास जी राम के माध्यम से उस नारी की प्रशंसा करवाते हैं, बाली की पत्नी की प्रशंसा करवाते हैं। नारी सिखावन करसी न खाना, नारी की बात पर ध्यान नहीं दिया और बर्बाद हो गए। हम देखते हैं कि बाली का विनाश हुआ। क्या यह बात यह नहीं दिखा रही है कि किस प्रकार से उन्होंने नारी का सम्मान किया है? उसे देखते हुए क्या यह प्रासंगिक नहीं है आज ये सारी बातों को देखकर कि हम नारी में मौजूद सीता भाव की कद्र करें जो कि हम भूल गए हैं और घरों की पवित्रता नष्ट कर रहे हैं। नारी के प्रति असुरक्षा की भावना बढ़ी है, मानस नैतिक मूल्यों की माला है। इन मूल्यों से रहित समाज का अनियंत्रित भोग विलास में गर्क हो जाना, यही तो नैतिक पतन है। न जाने कितने दिल्ली कांड, न जाने कितने हैदराबाद कांड, न जाने कितनी निर्भयाएं ऐसे ही मर रही हैं, इसी तरह से अपमानित हो रही हैं। ये उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है जो तुलसी की संवेदना से हट जाने के कारण, भारतीय चिंतन मूल्य परंपरा की जड़े खोदने के कारण हुई। तुलसी का काव्य काव्य से ज्यादा जीवन मूल्य है, विवेक का अमृत है। आप सोचिए कि पश्चिमी विद्वानों के द्वारा या तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक बातों में अगर हम फंसते हैं कि राम काव्य कृष्ण काव्य ये सभी धर्म की अफीम है, तो इसका उत्तर हमें क्या देना है? ये तो कई वर्ष पूर्व महर्षि अरविंद ने दे दिया है, रामकृष्ण परमहंस ने दिया, विवेकानंद जी ने दिया, महर्षि रमन ने दिया, तिलक ने दिया, महात्मा तिलक ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, लोहिया जी दे चुके हैं। स्वयं तुलसी को भी लोक कल्याण और लोक जागृति हेतु रामलीलाएं करानी पड़ी, मैंने आपसे बताया ये बात। और इस तरह से ये सब कुछ मैंने बताने के पश्चात मध्य युग की परिस्थितियों को देखते हुए और उसमें कलिकाल के वर्णन को तुलसी काव्य में देखते हुए आज ठीक हमें कई जगह इसी प्रकार की परिस्थितियां दिखाई देती है। इसलिए मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्द जरूर कहना चाहूंगी कि उनकी वाणी के प्रभाव से, यानी तुलसी की वाणी के प्रभाव से आज भी भक्त अवसर के अनुसार सौंदर्य पर मुग्ध होते, यही तो सिखाया है उनने। जहां कहीं भी शील शक्ति का सौंदर्य दिखाई दे, कोई शीलवान दिखाई दे, विचारवान दिखाई दे, सत्पात्र दिखाई दे, तो मुग्ध हो जाएगी। और सन्मार्ग पर अगर कोई पैर रखता है तो हमें दिखाई देता है, विपत्ति में अगर कोई धैर्य धारण करता है तो ये मुग्ध करने वाली बात है, हमें मुग्ध करने वाली ये तुलसी ने सिखाई है। उनकी वाणी के प्रभाव से हम सीखे हैं, सन्मार्ग पर कोई पैर रखे, विपत्ति में धैर्य धारण करे, कठिन कर्म में उत्साहित हो, दया से अगर आर्द्र होता है, बुराई पर अगर गिलानी करता है, शिष्टता का अगर अवलंबन करता है, शिष्टाचार का अगर अवलंबन करता है और मानव जीवन के महत्व को अगर अनुभव करता है, तो ये हम कहां सीखे? ये तुलसी का काव्य, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये उन्हीं की रचनाओं ने तो हमें सिखाया है। तुलसी पलायन का मार्ग अपनाने के लिए हमें कभी नहीं कहते, तुलसी ने हमें गृहस्थी का मार्ग, प्रवृत्ति का मार्ग अपनाने के लिए कहा है, मानव जीवन के महत्व का अनुभव करने के लिए हमें कहा है। दुष्ट और अत्याचारी को जो पृथ्वी का भार है उनको उतारने का काम तुलसी का काव्य करता है। तो मैं अंत में, समय समाप्त हुआ या नहीं, फिर भी मैं आपको अंत में ये कोरोना काल, इस महामारी के प्रकोप में बचने के लिए और साथ ही हम जो इतने विचलित हो गए हैं, इन सभी में कुछ काव्य पंक्तियां जो तुलसीदास जी की हैं, वही हमारे काम आएगी, वही हमें प्रेरणा देगी, विश्वास जगाएगी, हिम्मत देगी, हमें स्वस्थ रखेगी। और वो पंक्तियां हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आज हम देख रहे हैं
किस प्रकार से लोग एक दूसरे पर प्रेम न्योछावर कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, सामग्री बांट रहे हैं। चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अल्प मृत्यु नहीं कम नहीं पीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद्ध न लक्षण हीना। कोई दरिद्र न रहे और कोई अज्ञानी न रहे, तुलसीदास के कार्य का यही संदेश है। और आप सभी ने, मैं जानती हूँ कि मैं ऐसी इस प्रकार के स्थान पर इस तरीके से वेब गोष्ठी हो रही है, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन केवल हमारा जो है सामने आकर के, यानी एक दूसरे की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो केवल हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखाई भले ही हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन बेगानगी नहीं है, बस इतनी दोस्ती है, हम उनको जानते हैं और वो हमको जानते हैं। आपने, आपके मंच ने, अक्षर वार्ता ने तथा भारतीय विचार मंच ने, सिंधु महाविद्यालय ने, दादा रामचंद्र बापू सिंधु महाविद्यालय ने, और श्री सुनील जी ने तथा डॉक्टर कमल किशोर जी ने, श्री नवीन कुमार जी ने, इन सभी ने जो हमें यहाँ पर मौका दिया तुलसी के काव्य में जीवन दर्शन बताने का, जो मुझे मौका प्रदान किया है, मैं उससे बहुत ही कृतज्ञ हुई हूँ। वाणी मेरी बहुत ही सही संत वाणी के लिए काम आई है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। मैडम का बहुत ही ऊर्जावान उद्बोधन रहा, धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। किसी प्रतिभागी को कुछ प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही कम समय में तुलसी काव्य का समग्र विवेचन आपने बहुत ही सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया। तुलसी काव्य में जीवन दर्शन मूल्य को विभिन्न उदाहरण के माध्यम से महत्व को प्रदर्शित किया तथा वर्तमान समय की सामाजिक समस्याओं का उल्लेख कर उसका समाधान तुलसी काव्य में बताया। तुलसी राम को तुलसी को उनके काव्य से अलग करना असंभव है, इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। आशा करता हूँ कि मैडम के द्वारा प्रस्तुत विचारों से सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है, जिनको अगर प्रश्न करना हो वे प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना कुशलानी जी मैडम, आपने बहुत सुंदर तरीके से, सरल तरीके से लोगों को समझाया इस विषय के बारे में। फेसबुक पर हजारों लोग जुड़े हुए, उनके कमेंट्स में देख रहा था, सबने बहुत, मतलब उनको संतुष्टि हुई आपका सुनकर। एक प्रश्न फेसबुक पे से मैं ले रहा हूँ, किरण ग्रोवर जी हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक प्रश्न पूछा है कि क्या आपको भी तुलसी साहित्य में राम का सीता से अलग होना खटकता है, ऐसा एक प्रश्न है मैम। जी जी, क्या कहा आपने? एक किरण ग्रोवर जी है फेसबुक से, उन्होंने प्रश्न पूछा है क्या आपको भी तुलसी राम का सीता से अलग होना खटकता है। ठीक है, बहुत सही प्रश्न उन्होंने पूछा है। देखिए, ये तो युग युग बातें रहती है। एक मिनट मैडम, एक मिनट, थोड़ा बीच में रोक रहा हूँ। क्या गुप्ता सर, आपके इसमें डबल कुछ शुरू है क्या, या कहीं जैसे फेसबुक भी साथ में शुरू हो या दूसरे फोन में आवाज शुरू होगी ना, तो ये डबल डबल रिपीट हो रही है आवाज। हाँ बोलिए मैडम अभी। हाँ जी किरण जी, बिल्कुल आपका सही प्रश्न है, क्यों नहीं खटकेगा। और वो आदर्श पत्नी थी, आदर्श एक पति व्रत और एक पत्नी व्रत था उस समय, और सीता जी का बहुत ही अनुराग पति के प्रति था, राम जी का भी बहुत था, उनके पैरों से कांटा निकालना, और जब रावण उनको ले जाते हैं तो राम का विरह और उनका हमने, उनकी वेदना भी हमने देखी, किस तरीके से वो करुण विलाप कर रहे थे, तो उनको भी जरूर खटका होगा। लेकिन ये उस समय के राजतंत्र में भी लोकतंत्र की बात थी, एक प्रजा के कहने से, एक धोबी के कहने से उनको जो है वो इस प्रकार से सीता का त्याग करना पड़ता है। सोचिए आप, ये दुख क्यों नहीं होगा, ये वेदना मुझे भी क्यों नहीं होगी, जब राम को हुई, जब उनका इतना करुण विलाप हमने देखा, तो हमें क्यों नहीं ये वेदना होगी। और कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। गुप्ता जी, आपके पास कोई प्रश्न हो फेसबुक पे या जूम पे भी जो लोग जुड़े हैं उसमें से किसी को कोई प्रश्न, एक दो प्रश्न हम लोग ले सकते हैं इसमें से।
हाँ डॉक्टर गरिमा सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं प्रश्न, और जो नहीं पूछना चाहते तो अपना आवाज म्यूट 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 पर रखे, है ना, माइक बंद रखे कृपया। मैडम मुझे लगता है क्योंकि आपने इतना सरल तरीके से लोगों को बताया ना कि लोगों के प्रश्न रहते हैं में, वो प्रश्न जो होंगे पहले से वो खत्म हो जाते हैं, मतलब अपने आप ही वो प्रश्न मुझे लगता है लोगों के सुलझ गए। आपने इतने सुंदर और सरल तरीके से लोगों को समझाया। मैं गुप्ता जी को आगे की कार्रवाई के लिए आना, नमस्ते सर, अगर उनके प्रश्न होंगे तो मैं व्हाट्सएप पर भी उनको जवाब दे सकूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। फेसबुक पर भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, बाद में भी आपके मन में कोई सवाल आते हैं मैडम को डायरेक्ट आप पोस्ट कर सकते हैं। कोशिश हम लोग पूरी करेंगे कि आपके जो भी प्रश्न हो बाद में भी उसका समाधान किसी न किसी माध्यम से किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। गुप्ता सर को मैं आगे की कार्रवाई के लिए आमंत्रित करता हूँ। कमल किशोर जी गुप्ता। हाँ, दूसरे सत्र की वक्ता श्रीमती अंजलि ठोबरे मैडम है, उनका मैं शब्द सुमन से स्वागत करता हूँ तथा उनका परिचय प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमती अंजलि ठोबरे एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है, उन्होंने एमपीएड तक शिक्षा प्राप्त की है, अमरावती विश्वविद्यालय की बास्केटबॉल टीम की वे कैप्टन रही है, नागपुर में लोकांची साड़ा स्कूल में कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया हुआ है तथा वे संत साहित्य की अभ्यासक और तुकाराम गाथा में विशेष रुचि रही है उनकी, और जिस उनके परिवार में एक वारकरी परंपरा वारी परंपरा रही है जिसका आपके ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, उससे प्रेरित होकर उसके माध्यम से तुकाराम के जीवन दर्शन और काव्य का प्रचार प्रसार आप करती है और इसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं तुकाराम के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। मराठी संतों ने अपनी समय संवेदना को अपने ही रंग रूप में अपनी काव्य धारा में अभिव्यक्त किया है। सभी धर्म को एक सूत्र में बांधने के लिए संत तुकाराम ने महाराष्ट्र धर्म की स्थापना कर महाराष्ट्र धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है और इसी कारण सभी समान है। तुकाराम के प्रगतिशील चेतना का मुख्य आधार मानवता है। इस कारण वे अपने अभंगों की निर्मिति बहुजन हिताय के लिए करते हैं। समग्र जीवन उन्होंने मानव कल्याण और विश्व बंधुता को मूल मंत्र माना है। साथ ही दीन दुखियों का सहारा बनकर उन्होंने उनके आंसू पोषने का कार्य किया है। स्वातंत्र्य, समता और बंधुता, इन तीन सूत्रों को स्वीकार कर तुकाराम अपने मानवता विषयक मत का प्रचार प्रसार करते हैं। सत्य को वे धर्म का प्राण तत्व मानते हैं। सत्य आचरण वो सत्य का पालन का उपदेश देते हैं। अपने विचारों, अपने आचरण और अपनी वाणी से अर्थपूर्ण तालमेल साधते हुए अपनी जिंदगी को परिपूर्ण करने वाले तुकाराम जनमानस को हमेशा कैसे जीना चाहिए यही प्रेरणा देते हैं। उनका काव्य और साहित्य रत्नों का खजाना है। यही वजह है आज सैकड़ों वर्ष बाद भी वे आम आदमी के मन में सीधे उतरते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आज की वक्ता श्रीमती अंजलि ठोमरे जी को, वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार, क्या आपको सभी को आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? आवाज सुनाई दे रही है एकदम स्पष्ट। नमस्कार, क्या सुन पा रहे हैं आप सभी? हाँ मैडम, आवाज आ रही है एकदम क्लियर आ रही है आपकी आवाज एकदम स्पष्ट। अंजलि मैडम, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है। अक्षर वार्ता अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका तथा भारतीय विचार मंच नागपुर, वैसे ही कमल किशोर जी गुप्ता, नवीन अग्रवाल जी, सुनील किटकरू जी और डॉक्टर मोहन बैराजगिरिका जी, मैं पहले धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया है। वैसे ही मैं अपने सद्गुरु और संत तुकाराम महाराज जी को याद करके
उनके ही कुछ विचारों को आज के आज का जो हमारा ये देश में या विदेश में जो ये तैयार हुआ है, ये जो परिस्थिति तैयार हुई है उसके अनुसार उनका उनके विचार उनकी विचारधारा उनके अभंगों के द्वारा हम कैसे उससे लड़ सकते हैं, या फिर उन्होंने जो विचार उस समय लिखे थे वो आज भी कैसे प्रासंगिकता स्वरूप मार्गदर्शन हमें करते हैं, यह मैं आज आपके सामने देने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले, क्योंकि ये महाराष्ट्र के संत है, तो उनका जीवन परिचय में थोड़े थोड़े शब्दों में देना चाहूंगी। तुकाराम महाराज जी का जन्म जो है वो देहू गांव में हुआ था, जो पूना के करीब है, और 1608 में उनका जन्म हुआ था। उनका जब जन्म हुआ था तो वो तो वैसे अच्छे घराने में यानी रईस घराने में थे, लेकिन आगे जाके उनकी परिस्थितियां कुछ खड़तर हुई, फिर वो यानी ऐहिक जीवन और पारमार्थिक जीवन की यात्रा पर निकल पड़े। तो उन्होंने इस यात्रा में कम से कम 4 कोटि अभंगों की रचना की है, ऐसा उल्लेख गाथा में मिलता है। उन्होंने जो सुनाई दे रहा है जी मैडम, आ रही आवाज। तो उन्होंने ऐसे उनकी गाथा यानी जो उन्होंने जो अभंग लिखे है उनको गाथा कहते हैं। तो गाथा में उल्लेख है कि उन्होंने 4 कोटि अभंगों की रचना की है, लेकिन सद्य परिस्थिति में अभी हमारे पास फिलहाल 4500 ही अभंग उपलब्ध है। उनके अनुसार हम उनकी परिस्थितियों का, उस वक्त की परिस्थितियों का और आज की परिस्थिति का तुलनात्मक अभ्यास कर सकते हैं। वो उस उनका जीवन चरित्र जिस परिस्थिति में या जिस कालखंड में था, तो उस कालखंड में हिंदू धर्म की तरफ, हिंदू स्वराज्य की तरफ, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा था। तो आध्यात्मिक रूप से हम उनको जितना जानते हैं उतना ही राष्ट्रवाद से भी हमें उनको जानना जरूरी है आज के कालखंड में, क्योंकि उस वक्त मुगलों से यानी यवन राज्यों से, मुस्लिमों से वो शिवाजी महाराज की लड़ाई चल रही थी और शिवाजी महाराज के गुरु के तौर पर हम उनको देखते हैं। फिर भी उनको जगत गुरु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भेदाभेद को दूर करके ही, मानवता को देखते ही वो राष्ट्र की संकल्पना की है। लेकिन जब हमारे सामने शत्रु जिस रूप में हो, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे वो किसी जात के हो, चाहे वो अपने ही जात में अपने ही देश के लिए हितैषी ना हो, उन सब के लिए उन्होंने कड़े शब्दों में उनकी आलोचना की। तो हम उनको जब जानते हैं या हम उनको जानना है तो हमें ये उन अभंगों की तुलना करना जरूरी हो जाता है। उनका एक जीवन तो सुख समृद्ध था, लेकिन कुछ कारणवश मतलब सूखा पड़ गया, फिर बहुत ही यानी नादारी में उनका जो था वो वाणी थे कि जो किराना माल था वो बेचने का काम वो लोग करते थे, और मामलेदार भी थे, महाजन भी थे, यानी वो साहूकारी भी कुछ तरफ से कुछ हद तक करते थे। लेकिन जब उनका ये हुआ कि सूखा पड़ गया, जब लोग भूख से मर रहे हैं, तब उन्होंने अपना खुद का ख्याल न रखते हुए अपने धान्य की कोठारे जो है वो उन्होंने अपने जनसामान्य के लिए खुली कर दी कि चाहे मैं भी खाऊंगा तो मैं कितने दिन जीऊंगा, लेकिन मेरे साथ वाले अगर नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा। आज यही परिस्थितियां कुछ हद तक हमारे देश में भी हम देखते हैं कि अनेक मजदूर या गरीब लोग रास्ते से जा रहे हैं, तो उनकी मजबूरियों को समझ कर उनको मदद करना है, ये इनका ये जो अनुभव है हमें सिखाता है। मराठी में एक कहावत है कि सूखे में जो रईस होता है, यानी जो आपत्कालीन स्थितियां आती है उसमें जो क्या बोलते हैं रईस होता है, उस टाइम जो पैसे कमाता है या रईस हो जाता है, तो उससे उसको कोई याद नहीं करता, लेकिन आपत्काल में जो दूसरों की मदद करता है, खुद भी मतलब चाहे उसकी परिस्थिति हो या ना हो, उसमें भी वो दूसरों की मदद के लिए ये करता है, उसको हमेशा के लिए याद रखा जाता है। तो वही जब उन्होंने खुद मतलब खुद पहले अपना
खुद अपना खुद करके उन्होंने भी अपनाया है, फिर दूसरों को सिखाया है। इसीलिए वो बोलते हैं कि अपने अभंग में बोलते हैं कि हम मीची मज व्यालो पोटा आपुलिया उचलो अनुभव आले अंगा ते या जगह दे तसे। यानी वो बोलते हैं कि मैं खुद पहले अनुभव ये सब कर चुका हूँ, तभी मैं उस दूसरों को दे रहा हूँ। मैं जन्म से मैं जो नहीं था, लेकिन मैं ये सीख के गया हूँ और मैंने ये खुद अनुभव किया, इसीलिए मैं आज शब्द रूप में लोगों को दे सकता हूँ। उन्होंने अपना सब कुछ लोगों में बांट दिया था। फिर उसके बाद जो परिस्थितियां थी, उनके संसारिक परिस्थिति भी कुछ सही नहीं थी। संसार में भी उनको बहुत खड़तर यानी परिस्थिति को फेस करना पड़ रहा था, लेकिन उसी में उनकी पारमार्थिक ऊंचाइयां भी वो उतनी ही गगन के ऊपर जा रहे थे। इसलिए उन्होंने संसार में भी कैसे रहना है इस पर भी उनकी रचनाएं हैं, वैसे ही पारमार्थिक रास्ता भी उन्होंने अपने लिए खुला कर दिया है। तो हम पारमार्थ में भी उनको उतना ही जानते हैं। उन्होंने जब सब बांट दिया तो बोलते हैं कि आमा घरे धन शब्दांची चा रत्ने शब्दांची चा शस्त्रे यत्ने करू। वो कहते हैं कि हमारे पास अब कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन शब्द है, वो शब्दों को शब्द ही हमारे रत्न है और शब्द ही हमारे शस्त्र है। और उन्होंने उनका बराबर इस्तेमाल अपने पूरे जिंदगी में यानी अभंगों में और जिंदगी में किया है कि शब्द से उन्होंने भूले भटकों को रास्ता दिखाया है, धर्म क्या रास्ता दिखाया, धर्म पर चलने की शिक्षा दी है। और वही उन्होंने जो नाठा यानी जो पापी लोग है, ये जो दुश्मन है धर्म के, जो दुश्मन है राष्ट्र के, जो दुश्मन है व्यक्ति के, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति विशेष पर उनकी टिप्पणी नहीं है। समाज की कुप्रथाओं पर उन्होंने भले ही टिप्पणियां दी है, लेकिन कभी भी उन्होंने व्यक्ति विशेष पर टिप्पणियां नहीं की है। ये बात हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आज उनके ही साहित्य का आधार लेके समाज को बांटने का क्रूर कर्म महाराष्ट्र में हो रहा है और ये सद्य परिस्थिति में बहुत ही विघातक है। इसलिए आज मैंने उनके ऐसे ही अभंगों को चुना है जो ऐसे जो विघातक शक्तियां हैं, उन विघातक शक्तियों के लिए उन्होंने क्या कहा है वो कहने वाले ही अभंग मैंने आज चुने हैं। तो उन्होंने कहा है ठकासी भावे ठक नाठा आसी नाठाल, यानी जो पापी लोग है नाठा है, जो सुनते नहीं है प्यार की भाषा, जो नहीं समझते है, उनके लिए थक होना ही उनके लिए यानी जिस हद तक हम उनको शासित कर सकते हैं हमको करना चाहिए, चाहे वो शब्द से हो, चाहे वो शस्त्र से हो, चाहे वो शासन से हो, यानी शिक्षा से हो। ये ये उन्हीं के शब्दों में उन्होंने हमें आज बताया है। जैसे कि वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए उनको बहुत ही प्रेम है। इसलिए वो कहते हैं कि जो नगर के लिए उन्होंने बताया है कि कैसा नगर होना चाहिए या कैसा नगर नहीं होना चाहिए, ये दोनों ही उन्होंने शब्द लिखित करके रखे हैं। वो बोलते उन्होंने कहा है न मेती एका एक जय नगरी से लोक भली तेथ राहु न एक क्षण होइल न कळे काय न करिता अन्नाय भळे करीती अपाय अविचारे हाती देऊनी प्रजा नागविती तुका मणे दारी सुखे सेवावे ते बरी। वो कहते हैं जिस नगर के जन एक दूसरे को नहीं समझ पाते उस नगरी का कभी भला नहीं हो सकता है। इसलिए हम एक दूसरों को समझ के ही देश का हित रखना है, देश हित के लिए ही हमें रहना है, तभी हम अपना धर्म बचा सकते हैं। चाहे वो मानव धर्म हो, मैं बार बार कहती हूँ, चाहे वो मानव धर्म है, चाहे वो अपना राष्ट्र धर्म हो, चाहे वो हमारा वो और कोई भी धर्म हो, जो हम कृति में ला सकते हैं वो अच्छी तरह से ही लाना है, यही उन्होंने बताया है। कहीं उन्होंने ये किसी को फेवरेबल नहीं किया है ना, वो सभी को जो नाठा है उनको उन्होंने शब्दों से ताड़न किया है, और जो
अभी क्या बोलते हैं ऐसी परिस्थितियों में जो ब्रह्म जानते हैं वो जो चुपचाप रहते हैं उनको भी जगाने का काम उन्होंने किया है, उनको भी जगाने का काम किया है। तो यानी ऐक्य बलम समाजस्य तद्भावे सदुर्बला तस्मात् ऐक्य प्रश्नस्य दृढ़ो राष्ट्र हितेष्ण, यही वो बता रहे हैं कि राष्ट्र के ऐक्य के लिए एकता होना जरूरी है। अगर कोई समाज अलग से अपनी पहचान बनाना चाहता है तो उसे ताड़ित करना, उसे प्रचार उसको शिक्षा करना जरूरी है। यही उन्होंने बार बार बताया है। अभी अभी तो महामारी एक हम मतलब क्या कहते हैं ये जो महामारी आई है ये तो एक समस्या ऐसी है कि जो औषध से निकल जाएगी, लेकिन इस महामारी की वजह से हमें जो समाज का दर्शन दिखने को मिला है वो समाज दर्शन को आज हम जब जानते हैं तो वो समाज दर्शन ही हमें तुकाराम जी को जानने का अवसर देता है। वो कहते हैं जैसे उन्होंने समाज के लिए जो बताया वैसे ही वो जो सेवक है यानी जो आज सेवा में लगे हुए लोग चाहे वो पुलिस है चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो कोई भी है, उनको अपनी सेवा भाव से ही करनी है। यही ये भी वही बताते हैं पूजी तो पाई का ओईचा नाई का पोटा साठी एक जैसे तैसे आगळे पाऊल आणि कासी तारी पळती माघारी तोडी तेती पाठीवारी घाय म्हणती पट सर निधड अंगे शूर मानी पावे। यानी वो कह रहे जो पेट के लिए ही सेवा में उतरे है यानी सिर्फ नौकरी करने के लिए ही जो उतरे है वो निस्वार्थता नहीं जानते, तो वो इस ऐसी जो परिस्थितियां निर्माण होती है राष्ट्र के सामने तो पीछे हट जाते हैं बल्कि आगे आने से आगे आकर अपनी सेवाएं निस्वार्थ रूप से देने की बजाय वो एक दूसरे को दोषी मानकर अपनी सेवा से वो हट जाते हैं। उनके ऊपर बताया कि ओईचा नाईक, नाईक यानी वो रक्षण करता है, नाईक ये पदवी थी कि ये पदवी है जो पुलिस की थी उस जमाने में जो प्रजा की रक्षा के लिए रहते थे, नगर की रक्षा के लिए रहते थे। आज हम ये नाईक शब्द सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस परिस्थिति में हमारे रक्षण करता बन सकते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कई कई डॉक्टर्स जो है यानी प्राइवेट डॉक्टर्स ने तो इस यूनिटी बना ली है कि हम ये कोरोना का जो है कि ये फैलाव होता है हमारे क्लिनिक बहुत छोटे है, लेकिन इस वक्त जो सादी सी बीमारी के लिए वो डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो रहे यानी वो भी पेट के लिए ही कमा रहे देश के लिए यानी उनके नोबल सर्विस का उनको भी कुछ जगहों पर क्या बोलते हैं हम वो भूल गए अपनी सर्विस को। तो आज उन्होंने आगे आकर देश की रक्षा के लिए जी जान लगा ली, जो सर्विस में वो दे ही रहे जो नहीं दे रहे उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ पेट के लिए कमाना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो हमारी रक्षा करना देश की सेवा के लिए रखना हमारी जरूरत है और हम उस सेवा को जानकर ही आना चाहिए, नहीं तो ऐसी परिस्थितियों में भाग जाने वाले बोलते हैं ना पट पाठी वरा धाया मणती पट सरा यानी जो ऐसी परिस्थितियां उद्भव हुई कि अभी तो वह घबरा कर भाग जाते हैं, उनकी जरूरत अभी इस वक्त हमारे समाज को हमारे देश को नहीं है और उनको भी शासित किया जाना चाहिए और उनको भी उनकी सेवा का ध्यान और उनकी सेवा का वो किस लिए पढ़े हैं या उस वो सेवा में किस लिए आए हैं इसलिए उनको जागरूक करना जरूरी है। तो ये संत जो होते हैं, संत यानी सिर्फ प्रेम नहीं, वो प्रेम है ही, प्रेम की गंगा है ही, लेकिन जब हम मार्ग से भटक जाते हैं तब तक हमें मार्ग पर लाने का काम संतों द्वारा किया गया है यानी इसीलिए हम संत हैं। संत एक जगह रहते हैं, संत ये किसी समाज के लिए ही रहते हैं। तो ये मैं बार बार ये कह रही हूँ कि संतों को बांटना महाराष्ट्र में रामदास और तुकाराम जो एक ही समकालीन है
दोनों की ही मांग में साम्यता है, दोनों ही एक मतलब एक पैरेलल उस जमाने में चल रहे थे, समांतर है। तो वो जब समांतर उनकी विचारधाराएं चल रही थी, क्योंकि वो राष्ट्र उत्थान के लिए ही काम कर रहे थे, आज उनको बांटने का दुष्कृत्य कुछ समाज विघातक शक्तियां कर रही है, तो वो सजग होके हमें इन साहित्य को लोगों के सामने पेश करना, ये आज की प्रायोगिकता है। और तो हमें इनको ही सामने रखकर चलना है और इनका सही अर्थ लोगों के सामने ही देना है। जैसे वो कहते हैं खुद तुकाराम महाराज कहते हैं, उजड़ा आलो वाटा खरा खोटा निवाड़ा, यानी हम आपके मार्गदर्शक बनकर आए हैं, हम आपको सच्चे की झूठे की पहचान कराने के लिए आए हैं, यही वो बोल रहे हैं। और आज भी वो लागू होता है, आज भी ये प्रायोगिकता है उनके साहित्य, क्योंकि आज भी हमें वो प्रकाश दे ही है। तो हमें वो खुद को गाँव गुंडा भी कहते हैं कि आम्मी झालो, यानी कुछ सिर्फ हम प्रेम की धारा ही नहीं बोलते, हाँ आम्मी झालो गाँव गुंडा, यानी जो गुंडा रहते हैं गाँव के वो हम है। कब है? जब अज्ञा पुंड भूतासी, जो सत्य के मार्ग पर नहीं चलते हैं, जो हित को जानकर नहीं चलते हैं, उनके लिए हम गाँव गुंडा भी है, ये उन्होंने ही अपने लिए खुद के लिए कहा है। तो हमको ये जानकर ही चलना है कि संत साहित्य यानी सर्वधर्म समभाव ये सब है, क्योंकि वो निर्गुण निराकार को जानते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार को जानकर तुकाराम महाराज जी सगुण कृष्ण भक्ति के तरफ बढ़ते हुए अपने अपने कर्तव्यों का परिचय सभी मानव जाति को मानव धर्म को करते हैं, और मानव को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि वो बार बार कहते कि सुखे करावे गर्भवासी, तू का मणे गर्भवासी सुखे करावे अम्मासी, क्योंकि मुझे मैं बार बार जन्म लूंगा, क्योंकि मुझे ये प्रकाश देने का काम करना है और मानव जीवन के मानव मूल्यों को बार बार लोगों को जागृत करने के लिए, मानवीय मूल्य समझाने के लिए मैं ये बार बार जन्म लेकर के तैयार हूँ। मोक्ष की बात वो नहीं करते हैं, वो जन्म की ही बात करते हैं। तो बार बार वो कहते हैं कि सुखे घालावे अम्मासी, तो गर्भावासी गर्भ से आएंगे तो जन्म लेंगे ही, और जन्म लेंगे तो ही वो कर्म कर पाएंगे, तो कर्म अच्छे करने के लिए ही हम जन्म लेना चाहते हैं, ऐसा ही तुकाराम महाराज ने बार बार कहा। तो अभी और जो अभी बात चल रही है कि आत्मनिर्भर, हम हंसते हैं आज इस बात पर, हम हंसते हैं कि आत्मनिर्भर क्या है। आत्मनिर्भरता ही यानी दैववादी होना, ये आत्मनिर्भरता का लक्षण नहीं है। तो दैववादी तब उस वक्त में दैववादी हो रहे थे लोग, जाने जो प्रसार प्रचार दूसरे धर्मों से हो रहा था उस जमाने में जब वो थे, तो आज भी लागू होता है ये उनके शब्दों में ही। उन्होंने हिंदी में भी अभंग लिखे हैं, उन्होंने मराठी में भी अभंग लिखे हुए हैं। तो जो दैववाद हम जो मानते हैं, दैववाद को उन्होंने दैववाद का खंडन किया है और आत्मनिर्भरता पर ही उन्होंने जोर दिया है। इसलिए वो कहते हैं अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दारू अल्लाह खिलावे, अल्लाह बिगर नहीं कोई, अल्लाह करे सो या सो ही कोई, यानी ये दैववाद है। वो उनके ही शब्द में जब वो शब्द करते थे कि हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है, तो वो प्रचार प्रसार हिंदू धर्म में हो रहा था और हमारे समाज को बहुत बड़ी संख्या में तब तत्कालीन परिस्थितियों में तोड़ा जा रहा था, तो ये शब्द तब इस्तेमाल किए जाते थे। तो वो उन्होंने अपने अभंग में पहला मुखड़ा ये लिया है कि अल्लाह देवे यानी अल्लाह देगा, अल्लाह खिलाएगा यानी दैववाद, यानी इस दैववाद पर वो है ऊपर वाला देगा। तो उसका खंडन वो नेक्स्ट स्टांजा में यानी दूसरे कड़वे में, दूसरे जो अंतर क्या बोलते हैं हम उसको, उसी अभंग के दूसरे परिच्छेद में करते हैं। मर्द हो या वो खड़ा फिर, ना मर्द को नहीं धीर, अपने दिल को करना खुशी, तीन दाम की क्या खुमासी। वो कह रहे हैं मर्द जो मर्द है
वो कभी भी दैववादी नहीं होता है, वो आत्मनिर्भर ही होता है। जो मर्द है वो फिर से खड़ा होता है, आई जो भी परिस्थितियां उसके सामने आती है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो। क्या अभी दे रही है, अभी आवाज सुनाई पड़ रही है, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही है मैडम, आवाज आ रही है। तो वो कहते हैं कि जो जो मर्द है वो कभी भी परिस्थितियों से हार कर शस्त्र नहीं डालता, शस्त्र यानी प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तो वो इसलिए जब भी अभी इसी साहित्य को तोड़ मड़ोड़ के लोगों के सामने पेश किया जा रहे हैं, इसलिए मैंने यह भंगा कि ये आत्मनिर्भरता का पाठ देता है कि हम किसी भी परिस्थिति से गुजरे, वो भी गए हैं, उन्होंने अनुभव किया है, उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं रही थी आखिर, जबकि वो बोलते है ना कि मुंह में सोने का चम्मच लेके वो पैदा हुए थे, लेकिन आखिर जब 17 साल की उम्र तक उनकी वो परिस्थितियां नहीं रही थी, बाद में उनको बहुत बहुत खतरनाक जीवन जीना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी दैववादी होना पसंद नहीं किया, प्रयत्नवाद उन्होंने खुद ने भी नहीं छोड़ा, इसलिए वो दूसरों को सिखाते हैं कि दैववादी कभी भी नहीं होना चाहिए, प्रयत्नवादी आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। तभी मर्द को नहीं धीर, अपने दिल को करना खुशी, जो हमारा दिल चाहता है वही करना, ये खुशी नहीं है। तीन दाम की क्या कुमासी, तीन दाम के लिए कोई हमें फोकट का खाना खिला रहे, फोकट का पैसा दिला रहे तो हम उसकी गुणगान गाए, ये इसके लिए भी उन्होंने प्रताड़ना किए, पैसों के लिए जो हरि कथा करता है उसको भी उन्होंने प्रताड़ित किया है उस वक्त भी। तो क्या वो प्रायोगिक आज के जमाने में नहीं है? है, इनकी प्रासंगिकता हर काल में, हर समय में, हर देश में है। और धर्म को जानने के लिए संत साहित्य के अभ्यास यानी सत्य के आधार पर होना ही जरूरी है। आत्मनिर्भर होने के लिए कहना कोई क्या कहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है कि इतनी आपदा आई है, इतने लोग बेघर हुए हैं, इतने इनको जा रहे, तो उस समय उनको आधार देने के लिए आत्मनिर्भर होना, नहीं दैववादी क्या होगा, कोई खिलाएगा तो खाएंगे, ऐसा नहीं है। चार काम करो, देश के लिए करो, अच्छे काम करो, आपको देगा, अपने आप को उभारने के लिए, अपने आप को अपने पैर पर खड़े करने के लिए जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। दैववाद को, दैववाद का उन्होंने हमेशा ही खंडन किया है। और आगे जाकर वो बोलते हैं, संता नहीं माना देव मानी मुसलमान, ऐसे पोटे से मारी ले देव अशा विटंबी ले। जो कहते हैं जो संतों का मान नहीं रखता, बार बार संत हमें जो रास्ता दिखाते हैं हम उसको छोड़कर ही अपना मार्ग चूमते हैं, तो हम वो गलत है। तो जो संतों का मान नहीं रखता, देव मानी मुसलमान, यानी उस वक्त तो मुसलमानों का राज्य था इसलिए मुसलमान, आज के जमाने में हम हर मुसलमान को गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो अपनी पहचान अलग रखना चाहते हैं उनको हम आज के जमाने भी में भी अपने देश का नहीं मान सकते। जो देश के हित में नहीं है उसको हम देश इनका, हम उनको देश हित के हित में नहीं मान सकते है। वो बोलते है संता का ही माना देव मानी मुसलमान, पेट के लिए हम उनके पैर छूते है जो नीचे, उनके सामने हम अपने क्या बोलते हैं लोटांगन यानी नमस्कार, हम पूरा उनके सामने चरणों में झुका देते हैं सिर्फ पैसे के लिए, अपने पेट के लिए, तो वो बुरी बात है, उसका खंडन तुकाराम महाराज ने अपने अगवंगों में किया है। तो बोलते हैं तुका मणे धर्म न कहे मजलांग, जो कहते हैं उनको धर्म ही समझ में नहीं आया है, जिनको कृष्ण समझ में नहीं आया उनको धर्म समझ में आया, तो कृष्ण के पास संत आए, संतों का भी कहना जिनको समझ में नहीं आता है तो वो धर्म के नहीं, वो राष्ट्र के नहीं, वो किसी के भी नहीं होते हैं। जो जानते नहीं दूसरे जीवों की जो परवाह नहीं करते हैं, जो दूसरे जीवों को नहीं जानते कि जीव है उसको हमें प्रताड़ित नहीं करना, ये पहला धर्म है मानव जन्म का। मुख्य प्राणियों को जो बोल नहीं सकते उनको हमें जान देते हैं, हम जान देते हैं, हमारा मानव जीवन क्या है ये समझना है, मनुष्य प्राणी से मनुष्यता की ओर हमारा
जब मनुष्यता के हम क्या बोलते हैं प्रगति करते हैं तो ही हम संतों का मान रखते हैं। जैसे कि क्यों मनुष्य जन्म हम सभी जीवों में क्यों श्रेष्ठ माना जाता है, मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है कि बाकी सभी जीवों में भावनाएं हैं, सभी जीवों को भूख है, सभी जीवों को प्यास है जो मनुष्य में भी है, लेकिन मनुष्य एक ही जगह पर वो प्राणियों से अलग हो जाता है क्योंकि वो प्रकृति से सेवा कर सकता है जो दूसरे प्राणी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है कि पेड़ को प्यास लगती है वो खुद जाकर पानी नहीं पी सकता है, खुद जाकर पेड़ पानी के पास नहीं जाता जा सकता, किसी पशु को प्यास लगती वो खुद नहीं जा सकता है, उसको किसी ने लाकर अगर वो प्यास से तड़प रहा है तो मनुष्य प्राणी का है कि वो खुद भी खुद के लिए भी ले सकता है, और जो ये मतलब मुख्य जीव है जो बोल नहीं सकते उनकी सेवा भी वो उच्चतम स्तर से इसलिए कर सकता है कि वो पानी ले जाके उनको पिला सकता है। इस जगह पे मनुष्य इतर प्राणियों से अलग हो जाते हैं, इसीलिए मनुष्य जन्म सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, और इसीलिए हम दूसरे जीवों को जब जानते नहीं है तो हर हर काल में हर जीवन में हर देश में ऐसे लोग जो दूसरे जीवों की परवाह नहीं करते हैं वो पतित है, वो पापी है, उनके उद्धार के लिए ही मानव जन्म है, उनके लिए ही संत जीवन है जो निर्गुणों से सगुणों में हमको जाने के लिए कहते हैं और सगुण सेवा का ही हमें पाठ पढ़ाते हैं। तो इसलिए हम बार बार ये संत साहित्य किसी भी कालिक हो, चाहे वो राम से हो, चाहे वो कृष्ण से हो, चाहे वो आज के जमाने पे के भी कोई संत हो, ये कायम प्रासंगिक रहे और इनके साहित्य कायम हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम रहे हैं। इसलिए संत जीवन ये शिक्षा का भाग होना ही चाहिए, और सही तरीकों से जो कहते हैं राम नहीं कहना, जो कहते हैं कृष्ण नहीं कहना, उनके लिए भी जो कि आज के जमाने की हो गई है कि मैडम हम राम नहीं कह सकते या राम को राम नाम लेना, राम को मुंह पे लाने का शर्म आती है, राम मंदिर नहीं बनने के लिए बोलते, क्यों नहीं बोलते, क्या नहीं दिया राम जीवन ने हमें, क्या नहीं दिया। तो राम वो कहते हैं कि तुकाराम महाराज उनकी निंदा करते हैं, कहते हैं राहिले वर्णा वर्णा धर्म अनन्य विचरति कर्म भणविता राम राम महाश्रम मानीती, यानी कहते हैं वर्णा वर्णा धर्म भेद तो आप भूल चुके हो, तो यानी वर्णों को भी उन्होंने माना है, नहीं माना ऐसा नहीं, अपना कर्म को यानी हम जिस जाति में जिस धर्म में जहाँ कहीं भी हम पैदा होते हैं उन कर्मों को करना, उनके अनुसार चलना, फिर मनुष्यता के ऊपर चलना और उसके ऊपर उठकर परमात्मा को समझना ही हमारा जीवन है। इसके लिए हम जीवन जो चलता है उसी को उन्होंने श्रेष्ठतम कहा है, इसलिए वो कहते हैं मणविता राम राम महाश्रम मानिती, जो कि जो जिनको राम राम कहने के लिए श्रम जाते हैं तो क्या वो मनुष्य कहने के लायक है, यानी राम जीवन उन्होंने सर्वोत्तम माना है, जो कि वो कृष्ण भक्त थे फिर भी राम जीवन ही उन्होंने सर्वोत्तम माना, इसलिए राम को मानना ही पड़ेगा, ये तुकाराम महाराज कहते हैं। यानी वर्णा वर्ण भेद भी जानना है, धर्म भी जानना है, धर्म यानी हमको किस तरह से रहना है, क्या हम मनुष्य है, क्या हम प्राणी है, यह जानकर रहना ही वर्णा वर्ण धर्म, और हम धर्म समझना है, और अन्याय को सहना भी धर्म नहीं है। हमारे समाज को बांटने की जो कृति करता है उसको सहन करना भी हम धर्म नहीं है। तो ये धर्म उन्होंने बताया है, और राम नाम भी श्रेष्ठ बताया है, कि राम नाम लेने की जिनको लज्जा आती है वो उनको मनुष्य कहने की भी लायक नहीं है, क्योंकि सर्वाग्रति राम सबके वो राम सब में है, जो बोलते ना अल्लाह एक है, क्या कायफुम बोलते हैं, तो वो भी हमारे इसके लिए हमारे तुकाराम जी ने भी वही बोला है कि सब में एक ही है, एक हरि आत्मा जीव शिव समा, सब में एक वो हरि है, सब में वो राम है,
तो क्या वो तुम्हारा नहीं है, क्या वो हमारा नहीं है? तो वो इसलिए वो हिंदी में प्रताड़ना कर रहे, तुम भजाए ते बुरा द्वेष ते करे, तुम भजाए ते बुरा जिकिर ते करे, सीर काटे उर कुटे ताहम जड़ करे, ताहम एक तू ही, ताहम एक तू ही, ताहम एक तू ही रे बाबा, हम तुम नहीं। वो वही बोल रहे हैं, वो निर्गुण निराकार एक, सबका मालिक एक, का अल्लाह एक, भगवान एक, लेकिन जो हमें राह चलने की सीख देता है, मनुष्य जन्म को हमें मनुष्य जन्म समझाते हैं वो राम कृष्ण और आज के युगों के संत। ये संत भी अकल के भगवान ही है। वो कहते हैं देव तोची संत, देव तोची संत, एक बार नहीं वो दो बार कहते हैं देव तोची संत, देव तोची संत, प्रतिमा वेगळी जाणारे, यानी जिनकी प्रतिमा अलग है, बाह्य स्वरूप अलग है, लेकिन संत एक ही है, देव एक ही है, जो देव है आज जो संत है वो कल के भगवान है। तो वो जो कहते हैं कि हम सब में एक है, तो वो एक को जान के ही हमारी मनुष्य जीवन हमें चलना है, हमें उसी राह पर चलना है। यही वो बार बार कह रहे हैं कि तुम भजाए ते बुरा, यानी तुम जो भजते हो, तुम राम भजते हो तो तुम बुरा हो, जिकरी थी करें या जिकरी यानी द्वेष करते हो, तो वो सिर काटे ऊर फूटे, यानी तुम सिर काटते हो, ऊर फोड़ते हो उन लोगों का, ताहम झड़ करे, यानी तुम वो भगवान को आवाज दे रहे कि आप जल्दी आइए और हमें इस विटंबना से, हमें इससे तारणहार हमारे बनिए और हमें इस विपदा से उभार कर बाहर कीजिए। ताहम तू ये एक, ताहम तू ही एक ही है, तू एक ही है, ये तीन बार कह के वो कहते हैं, सबको सजग करते हैं, सबको जागरूक करते हैं कि हम तुम नहीं, हम तुम अलग नहीं है, वो एक ही है जो हम सबको चला रहा है, यानी वो निर्गुण भी अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी वो हमारे धर्म को, हमारे चाली जो रीति रिवाजों को वो श्रेष्ठतम मानते हैं। इसीलिए तुकाराम महाराज जी को जगत गुरु कहा गया है, जगत गुरु की उपाधि उन्हें इसी वजह से मिली हुई है। तो वो इसीलिए कहते हैं कि आज की जो हमारे समाज में, हमारे देश में जो संकट की घड़िया आई है, यानी पूरे विश्व में भी है, लेकिन इन संकट की घड़ियों में वो राजनैतिक समीकरण भी बदल रहा है विश्व में, पूरे विश्व में, हमारे देश में, मानव का भी अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग रूप से प्रकटीकरण हो रहा है, कहीं अच्छी जगह से कहीं उसका अच्छा प्रकटीकरण है, कहीं जगह पे उनका बुरा प्रकटीकरण हो रहा है मानव धर्म का। तो इसके लिए वो हमें बार बार जागरूक करते हैं और इसीलिए संत साहित्य ये कायम, यानी उनको एक्सपायरी डेट नहीं थी, आज की भाषा में बोलेंगी कि संत साहित्य को कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो सर्वकालीन है, वो उनका ज्ञान सर्वकालीन है, वो हमेशा मानव जाति को धर्म पालन के लिए जागरूक रखते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए जागरूक रखते हैं, इसीलिए उनको संत कहा जाता है कि वो हमें धर्म रक्षण अधर्मों के विनाश के लिए ही उनका जन्म होता है। जो अधर्म यानी पाप, जो धर्म नहीं जानते, जो मानव धर्म नहीं जानते, जो राष्ट्र धर्म नहीं जानते, उनके विनाश के लिए ही उनको माना जाता है, उनके इसके लिए वो इसीलिए उनको सर्व समाज को संगठित करके ही चलते हैं। वो किसी का द्वेष नहीं करते, ना मुसलमानों का, लेकिन वो कहते जिस समाज में भी जो भी बुरे है उनका वो उसी शब्द में, कड़े शब्द में उनके उनको वो प्रताड़ना करते हैं। इसीलिए इसीलिए वो बार बार वो बार बार यानी बहुत से उनके अभंगों में दिखा है कि तुका मणे अंगा भावे ते अपन तरीच महिमाना यही लगे करो, यानी वो कहते हैं हम खुद में वो गुण का प्रगटीकरण करना चाहिए, हमें खुद को करना चाहिए, तभी हम दूसरों को समझा सकते हैं, हमको भी उन विचारों को चलना है, तभी हम दूसरों को ये महिमान करा सकते हैं। यानी मराठी में और भी है, बोले तैसा चाले,
त्याची वंदा भी पाविले, जो जैसे बोलता है वो वैसे करके दिखाता है, उसी के चरणों में हमें रहना है, वही हमें प्रकाश की राह पर ले जाता है, वही हमें मनुष्य जीवन हमारे धर्म से मिला सकता है। इसीलिए संतों के चरणों में रहना यानी हमारा खुद का भी जीवन को हम खुद के भी जीवन को हम उसी हम उद्धार कर सकते हैं। अभी किसी ने मैं एक क्या टाइम हो चुका है, क्या वक्त हो चुका है? जी मैडम वैसे तो वक्त हो चुका है, फिर भी आप कुछ बोलना चाहें तो ले सकते हैं 5 मिनट। तो ठीक है, फिर आज के का जो परिस्थिति है उसके लिए जितना हम बता सकती थी तो मैंने बताया, लेकिन और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, क्योंकि इनका अभ्यास करने के लिए युग युग यानी हमारा पूरा जीवन भी जाए तो भी वो कम पड़ता है, तो इसीलिए वो कहते हैं, फिर भी वो कहते हैं, एक और अभंग का मैं देना चाहूंगी कि पृथ्वी भूमि राज्य द्रव्य अर्पार्जिति जाणत्या निश्चिति देव नाही, और दूसरी वो कहते हैं दुर्जनासी करीसा है तो ही दंड ले हे लाहे शिंदळीचा तुंटणी वाटा संग कोटा कोट्याचा। ये दो मैं अभंगों के लिए दो ही पंक्तियां बताऊंगी कि वो कहते हैं कि भूमि जिसकी वृत्ति भूमि राज्य और द्रव्य सिर्फ उपार्जित यानी सिर्फ लेने के लिए कुछ लेने के लिए ही वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भगवान नहीं है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए भूमि का राज्य का और द्रव्य का उपयोग करते हैं, यानी हम द्रव्य कमाते हैं तो उसका उपयोग समाज के लिए भी होना चाहिए। इस परिस्थितियों में हमें ऐसे बहुत से लोगों का हम नाम ले सकते हैं जो हम पेपर में पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन किसको किसके साथ रहना चाहिए और किसको हम मान सकते हैं, तो भूमि राज्य और द्रव्य का खुद के उद्धार के लिए जो उपयोग करता है वो देव नहीं है, वो भी पापी ही है। और दूसरा ये उन्होंने बताया दुर्जनासी करीसा है तो ही दंड है लहलाए, जो दुर्जनों का साथ देता है वो भी दंड उसी तरह से पाता है, क्योंकि दुर्जनों का साथ हमें कभी कभी भी अच्छी राह पर नहीं लेके जाता, वो भी हमें पाप की राह पर ही लेके जाता है, इसलिए कोटा का यानी जो मिथ्या है उसका साथ नहीं लेना है, हमेशा सत्य के साथ पर चलना है, सत्य की राह पर ही हमें चलना है। और ये कहकर मैं तुकाराम जी के बारे में जो कुछ मैं समझ सकी वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और अभी भी मैं अभ्यास ही कर रही हूँ तो मैं बहुत कुछ जानती हूँ, ऐसा नहीं है, आप जो आपके सामने में प्रस्तुत किया वो आप कुछ गलत किया हो कुछ सही किया हो वो जानकर क्षमा प्रार्थना करती हूँ, और मेरे शब्द जो है मैं अभी यहाँ पे समाप्त करती हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत आभार। किसी को प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी प्रतिभागी को इस विषय के संदर्भ में प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आपका आभार। आपने तुकाराम जी के काव्य में विभिन्न पहलुओं को हाँ सर बोलिए मैडम। सर नमस्कार, सर नमस्कार मैडम। बोलिए मैडम, पूछिए। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि साहित्य में हम कबीर आदि को पढ़ाते हैं तो तुकाराम जी की बात जब हम करना चाहें तो किस संत कवि के साथ जोड़ करके हम उनको विद्यार्थियों के सामने रखें, कृपया बताएंगे आप? अभी हिंदी के लिए तो मुझे मेरा इतना ज्ञान नहीं है, मैंने तुलसीदास जी को पढ़ा है और, लेकिन उनको मैंने राम कथा के ही अनुसार पढ़ा है, समाज के यानी जैसे इन्होंने क्या बोलते हैं इनका जो लेखन है वो सीधे सीधे शब्दों में है कि वो समाज के प्रति इसके प्रति उन्होंने या जिसको भी उनको लक्ष्य करना है वो उनको ही
उन्होंने सीधे शब्दों में ही उन्होंने प्रगटीकरण किया है, इसलिए ऐसा हिंदी में किसने किया है, किस संत ने किया है, इसका मुझे अभ्यास नहीं है, इसलिए इनकी तुलना में किससे कर सकती हूँ ये मैं आपको नहीं बता। मैडम इनकी कोई पुस्तक का नाम बताएंगे आप जो हम पढ़ाते वक्त जिसका जिक्र कर सके। एक ही पुस्तक है तुकाराम गाथा जो हिंदी में भी है, इनके बहुत सारे जो अभंग है उनका हिंदी अनुवाद अभी हो चुका है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसका इस्तेमाल दूसरे संतों को पढ़ाते वक्त कर सकते हैं या किसी और चीज में भी कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद मैडम आपका। आपने तुकाराम जी के काव्य में विभिन्न पहलुओं को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, साथ ही वर्तमान में जो कोरोना वायरस की आपदा आई है उससे निकलने के लिए संत वाणी महत्वपूर्ण होती है ये बतलाया है, और उसको आपने तुकाराम के अभंगों से बड़ी खूबसूरती के साथ जोड़ा है। आत्मनिर्भर के संबंध में भी आपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वर्तमान परिस्थिति में सेवा धर्म क्या है और सेवा धर्म के बारे में डॉक्टर का क्या कर्तव्य होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए, ये उनको आपने याद दिलाया है। संत साहित्य सर्वकालिक होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता, उसका हर काल में अपने समय परिस्थिति के अनुसार महत्व बना हुआ रहता है, ये आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें समझाया है, बतलाया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। आज के सत्र की जो अंतिम कड़ी हम लोग बोल सकते हैं, आज के द्वितीय दिवस की जो आभार प्रदर्शन, उसके लिए मैं सुनील करू जी को आमंत्रित करने से पूर्व मैं अंजलि मैडम का जो सुना मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो मैं कुछ एक भजन की पंक्तियां याद आ गई, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, बीच में ये कार्यक्रम के शेड्यूल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपके सामने दो पंक्ति, उसके बाद मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करूंगा। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। जिन्होंने भी जो संतों ने बताया, जैसे अंजलि मैडम ने भी बताया, उसका सार यही है कि हर धर्म में एक ही बात कही हुई है, ठीक है, कि जो उसका पालन नहीं कर पाते, किसी मूक प्राणी में यदि कुछ उसको दुख होता है, हमारे मन में यदि उसके प्रति संवेदनाएं नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति हम लोग मान सकते हैं कि वो धर्म से जुड़े हुए नहीं है। जो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसके मन में लोगों के प्रति संवेदनाएं रहती है और वो अच्छे कार्य जरूर करता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ सुनील किटकर जी को कि वो आभार प्रदर्शन व्यक्त करें। सुनील जी, लगे हुए हैं और सारे देश भर के संतों के बारे में हम सुन रहे हैं। आज हमने संत तुकाराम जी के बारे में सुना। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। संत तुकाराम जी के बारे में अंजलि ठोमरे जी का व्याख्यान सुना और वैसे ही अपने तुलसी जी के बारे में वंदना खुशनानी जी का हमने व्याख्यान सुना। तुलसी के बारे में हम क्या कहे, हम एक ही बात कह सकते हैं कि तुलसी जी कहते थे कि शरणागत हो जाओ, शरणागत के बिना राम का दर्शन नहीं होगा, तो भक्त को शरणागति स्वीकारनी पड़ी तो उसे वो राम का अनुभव आए। वैसे तुकाराम जी की पत्नी थी, वो तुकाराम जी को तो हमेशा गालियां देती थी, उनको तुकाराम जी का महत्व नहीं समझता था। तो हम संतों के आसपास रहने से भी अगर हमारी दृष्टि विकसित नहीं हुई, तो वह आध्यात्मिक दृष्टि नहीं हुई, तो हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसलिए इन शब्दों के पीछे जो अध्यात्म है उसे हमें जीना होगा, और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा है आचारो प्रवरो धर्मा, आचरण ही श्रेष्ठ धर्म है। और इस कोरोना काल में जो दुखी लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उन लोगों को हम छोटी मोटी मदद करें,
यही हमारे संतों का संदेश जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने हमें सब जगह ब्रह्म देखने को कहा है। हमारे गली में कचरा को उठाने वाले व्यक्तियों को भी हमारे गली के लोग बहुत शान से सवेरे चाय पिलाते हैं। तो कोरोना का यह समय हमें एक दूसरे को सहायता करने का है, और यह संत की जीवन के ऊपर में जो ये व्याख्यान माला रखी है, यह केवल विचार न होकर कृति हो, यह सब देश भर के सुनने वाले आयोजकों से और श्रोताओं से अपेक्षाएं है। और उस कारण से देश भर के अलग अलग संतों के बारे में जीवन परिचय हमें हो रहा है। यह भारत भूमि संतों की खान है, और वो आने वाला अगला दिन जो है वो हमें और एक मौका देता है कि इन संतों के बारे में हम जाने। इसलिए यह जो आयोजक है भारतीय विचार मंच और अक्षय वार्ता पत्रिका के मोहन बैरागी जी, इनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के कार्यक्रम में। और वैसे ही श्री नवीन अग्रवाल जी जो पूरी तरह से इसकी तांत्रिक भूमि को तैयार रखे हुए हैं, जिस कारण कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। डॉक्टर कमल किशोर जी दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं, ये सब अपने कार्यकर्ता है, इनका आभार मानना उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे जो हमारे जो आज के वक्ता है ठोमरे जी, श्रीमती जी और श्रीमती जी खुशलानी जी, इनका भी आज बड़ा सारगर्भित ऐसा ये व्याख्यान रहा है जो हमें आज एक मार्गदर्शन आगे के जीवन के लिए जरूर करेगा। वैसे ही देश भर से जुड़े हुए फेसबुक और हमारे जूम ऐप के द्वारा जुड़े हुए सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शांति से इस कार्यक्रम को सुना, और यह जो विचार हमने सुने ये वीडियो के माध्यम से, लिंक के माध्यम से उपयोग है। हम इस कोरोना काल में लोगों को संबल देने के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार भी करें, और केवल हम सुने और यह ज्ञान हमारे तक सीमित न रखे। इतना बोलकर आज के कार्यक्रम के लिए मैं मेरा धन्यवाद आभार प्रदर्शन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। कुछ सूचनाएं मैं देना चाहता हूँ जो फेसबुक के और जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कल का सत्र भी ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगा, और उसकी जो फेसबुक लिंक है वो उसके 10:45 के बीच में आप सबको प्रदान की जाएगी। और जो भी जूम में हम लोग, क्योंकि इसकी सीमित है, मतलब मर्यादा सीमित है जोड़ने की, तो हम लोग सबको इसमें हम लोग जोड़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कई लोगों के फोन आते हैं, हम फेसबुक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ लोगों को ये लिंक शेयर की जा रही है, तो बाकी लोग अन्यथा ना ले, फेसबुक पर भी वही चीज है और जूम पर भी वही चीज आपको सुनाई देगी और दिखाई देगी। आप हजारों की संख्या में जुड़े, कल भी आपने हजारों की संख्या में इसे देखा, आज भी आप हजारों की संख्या में फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का एक बार धन्यवाद करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि कल जो कार्यक्रम होगा उसके अंत में हम लोग एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको भेजेंगे, तो वो जो फीडबैक फॉर्म जो भरेगा और जिन्होंने ये कार्यक्रम तीनों दिन का अटेंड किया है उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और एक मुझे कई मैंने सैकड़ों लोगों के मैसेज ये भी आए, फोन भी आए कि भाई हम लोग किसी तकनीकी कारणों की वजह से हम लोग उसमें पंजीयन नहीं करा पाए। जो पंजीयन की हमने लिंक भेजी थी उसमें व्हाट्सएप के भी ग्रुप थे, टेलीग्राम के ग्रुप में तो ज्वाइन कर लिया और हम कार्यक्रम पूरा अटेंड कर लिया, लेकिन हम किसी वजह से उसमें पंजीकृत नहीं हो पाए, तो हमारा सहभाग इसमें समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा। तो मैंने जैसे आयोजकों से मेरी बात हुई, हमने समिति में उस विषय को रखा, तो हमने ये निर्णय लिया कि भाई जो ऐसे लोग हैं जो कार्यक्रम पूरा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरा इसमें शामिल है लाइव रूप से, किंतु किसी तकनीकी कारणों से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो अटेंड कर रहे हैं पहले दिन से, उनके लिए हम लोग लिंक जो है आज 2 बजे से कुछ 2-3 घंटे के लिए हम शुरू करेंगे, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। और लेकिन ऐसे लोग जो बाद में जुड़ रहे हैं उसकी पूरी जांच की जाएंगी कि आपने तीनों दिन अटेंड किया है या नहीं, क्योंकि उसके बहुत सारे तरीके हैं, फेसबुक पर भी हम लोग जान सकते हैं कि भाई वो तीनों दिन उन्होंने अटेंड किया नहीं किया, कितनी देर वो लाइव थे। ऐसे लोगों को ही फीडबैक फॉर्म भरने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने कल का जो कार्यक्रम है उसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि भी कल कौन रखता है, कल कौन से विषय है, वो आपके सामने शेयर करता हूँ, फिर इसे समाप्त करेंगे आप लोग।